हाँ अपन रिव्यू करते रहते हैं तो अपने को पता रहता है कि गाड़ी अपनी जो है ना ट्रैक पे जा रही है। तो जीव चेतना वाला मसला इतना फोन में मतलब तो है ना हावी है कि अपने को पता नहीं लगता कि वो अपनी जो है ना ट्रैक से उतर खड़ी। हाँ देखिए, दो दो चीजें हैं भैया जी इसको, जैसा मैं सोचता हूँ। एक है हमारी व्यक्तिगत यात्रा है ना, और दूसरा है मानव जाति की यात्रा। तो जब हम मध्य दर्शन से अस्तित्ववाद के आधार पे सोचते हैं, तो हम ऐसा पाते हैं कि हम मानव के रूप में जो अखंड समाज है उसी का एक अंश है ना। क्योंकि जो भी हमारा रहना है, होना तो अस्तित्व नियति सहज विधि से है, लेकिन जो रहना है, रहना मानव जाति के साथ में है। तो मानव जाति में जो भी विचार की यात्रा हुई है, व्यवस्था की यात्रा हुई, व्यवहार की यात्राएं हुई, उसके कारण से जो शिक्षा है, व्यवस्थाएं हैं, जिस जिस तरीके से वो मानसिकताओं का निर्माण करती है, उन मानसिकताओं के बीच में हम अपने होने को पहचानते हैं ना। उन मानसिकताओं के बीच में, अब वहां से, उन मानसिकताओं से निकल के, वो जो मानसिकताएं हैं उनसे निकल के हमको एक व्यवहारवादी समाज को स्थापित करना है। या व्यवहारवादी समाज पूर्वक जीने का अभ्यास करना है, जिसको अपन कह रहे हैं, है ना। तो जिसको बाबा जी मध्य दर्शन में, जिसको हम लोग कह रहे हैं स्वायत्त मानव, तो स्वायत्त मानव का मतलब होता है जिसने सह अस्तित्ववादी दृष्टिकोण से समाधान को पहचाना है। क्योंकि बाकी जो दो दो दृष्टिकोण है, जिनको हम लोग आदर्शवाद भौतिकवाद कह रहे हैं, उसमें समाधान का पहचान हुआ नहीं, ऐसा समीक्षा से निकल के आ रहा है। जो मध्यस्थ दर्शन की समीक्षा बाबा जी ने प्रस्तुत की है, उससे ऐसा निकल के आ रहा है कि ये दो विधियों से हम जो जीते रहे उससे समाधान हुआ नहीं। यानी लड़ाई झगड़े, युद्ध, हिंसा, संकीर्णताएं, है ना, वो सब बनी रही। तो जो जो हमारी चिराकांक्षा थी, जनाकांक्षा थी, या जिसको अपन कहें कि चिर पिपासा थी, है ना, जो आदिकाल से बनी रही है मानव की, वो सबके साथ जीने की प्यास बनी रही है, जिसको अपन कह रहे हैं अखंड समाज या वसुधैव कुटुंबकम। और वो प्यास अभिव्यक्त होती रही है, जैसे जिसको सर्वे भवन्तु सुखना आदि इस तरीके के जो स्टेटमेंट मिलते हैं, और भी सब धर्म परंपराओं में ऐसे स्टेटमेंट मिलते हैं। और यदि आप भौतिकवाद को भी देखेंगे, तो भौतिकवाद की शुरुआत जो है इक्वालिटी के आधार पर हुई थी, कि सभी मानव को बराबरी का बराबर माना जाए, उस दृष्टिकोण से भौतिकवाद आया था, है ना। तो उसके कार्ल मार्क्स के चिंतन में भी मूल रूप से जो अवधारणा थी वो बराबरी की थी। तो जिसको उन्होंने बाद में समता मूलक समाज जो है बोला, कि समता मूलक समाज, तो जो विषमताएं हैं वो कैसे समाप्त हों, ये भी मानव जाति की चिराकांक्षा बनी रही है। तो निर्विषमता में हम कैसे जी सकें, धर्म, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ, विचारधारा, आर्थिक आधार पे जो भी अमीरी गरीबी है, ये सबका समाधान हो और हम एक समता मूलक समाज के रूप में जी सकें, और उस समता मूलक समाज में जीते हुए हम समाधान समृद्धि पूर्वक, अभय पूर्वक जो है अपनी जीवन यात्रा कर सके, उस अर्थ में ये सारा अनुसंधान है, जिसको हम लोग मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद कह रहे हैं। तो इसमें जो मूल मूल जो प्रश्न है वो यही है कि जैसे हम शुरू के 10 अध्याय को देखते हैं, तो पहले अध्याय में अभ्यास दर्शन के बारे में कुछ बताया गया, भाई अभ्यास दर्शन क्या है। दूसरे अध्याय में अभ्यास की अनिवार्यता की बात की गई, भाई अभ्यास की अनिवार्यता क्या है, यानी अभ्यास से क्या हासिल करना है, क्यों हासिल करना है। फिर इसके बाद अभ्योदय की अनिवार्यता बोली, अभ्योदय का मतलब है सर्वतोमुखी समाधान है, उसको प्राप्त करना। फिर अभ्योदय कैसे हो सकता है, तो अखंड समाज की जो अनिवार्यता, अखंड समाज के बिना अभ्योदय नहीं हो सकता, क्योंकि अखंड समाज होगा तभी
हम कहेंगे कि सामाजिकता का अध्ययन हो सकता है, सामाजिकता का आचरण हो सकता है और मूल्यों का निर्वाह हो सकता है, और यदि अखंड समाज होगा तभी जनाकांक्षाएं सफल हो सकती, जो क्रमशः अग्रिम इसके बिंदु हैं। जैसे तीसरा बिंदु अभ्युदय की अनिवार्यता है, चौथा अखंड समाज गति सहज अनिवार्यता है, पांचवा सामाजिकता का अध्ययन है, छठवां जो है सामाजिक आचरण है, और सातवां स्थापित मूल्यों की अनिवार्यता है, क्योंकि स्थापित मूल्यों के बिना सामाजिकता का आचरण नहीं हो सकता है ना। फिर आठवां है, यदि ऐसा एक समाज बन जाता है उसका लक्ष्य क्या है, जिसको जनाकांक्षा कह रहे हैं, तो वो आठवां बिंदु है जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि समाधान समृद्धि अभय से अस्तित्व पूर्वक जीने के लिए जो शिक्षा और व्यवस्था है उससे ही जनाकांक्षा सफल हो सकती, वो आठवें बिंदु पे है। फिर नौवें बिंदु में अखंड समाज का स्वरूप क्या है, तो अखंड समाज के स्वरूप को जिसको नौवां जो बिंदु है उसमें स्पष्ट किया है, और जो दसवां बिंदु है उसमें मानव संस्कृति की बात आई कि मानव संस्कृति किसको कह रहे हैं। तो अभी तक जिसको संस्कृति कह रहे थे वो तो कोई नाच गाना भाषा है ना आदि इस सबको संस्कृति के रूप में पहचान रहे थे, लेकिन यहाँ पर मानव संस्कृति के रूप में समाधान की बात आई है। फिर इसके बाद जो ग्यारहवां बिंदु है, ग्यारहवें बिंदु में व्यक्तित्व और प्रतिभा के संरक्षण के अर्थ में है ना प्रतिभा और व्यक्तित्व की बात आई, क्योंकि प्रतिभा और व्यक्तित्व के संतुलन पूर्वक ही मानव में जिसको अपन कह रहे हैं हर स्तर पे समाधान उपलब्ध हो सकता है, यदि ये नहीं होता है तो नहीं हो पाएगा। फिर न्याय पाना सही करना ही साम्यतः जनाकांक्षा है, इसको स्पष्ट किया बारहवें बिंदु में। फिर सतर्कतापूर्ण जीवन में मानवीयता की चरितार्थता इस पे बात हुई। फिर भ्रमित समाज की बात हुई कि भ्रमित समाज में दो स्थितियां हैं, एक एक है भ्रमित परिवार और दूसरा है वर्ग, और भ्रमित परिवार और वर्ग में जो हमारी जनाकांक्षाएं हैं या जो मानव लक्ष्य है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। फिर इसके बाद कुछ और बिंदु जो इससे जुड़े हुए थे वो स्पष्ट हुए कि जो अखंड समाज है उसमें लाभ जो है वो उत्पादन नहीं हो सकता है और विनिमय मानव जीवन के लिए अनिवार्य है, इस पे बात हुई। फिर सत्रहवें में जाके हम लोग राजनीति और धर्म नीति कैसे रहस्यता से मुक्त हो सकती है इसके ऊपर आए। फिर अठारहवें में मानव इकाई भय मुक्ति के लिए प्रयासरत है, और भय का मतलब क्या है, तो भय का मतलब है जिसको हम लोग अखंड समाज कह रहे हैं, तो उस पे बात हुई। 19वें पे आचरण पूर्णता पर्यंत शिक्षा का अभाव नहीं है, यानी शिक्षा फिर हम लोग 20वां और 21वां बिंदु तक पहुंचे थे है ना। तो 20वां है कि साधन केवल साधन ही जो है लक्ष्य नहीं है, कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि सुविधाओं से जीना साधनों को इकट्ठा करना वही जीवन का लक्ष्य है। जैसे अभी जितने भी राजनीतिक तंत्र हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डेवलपमेंट मानते हैं ना, उसी को मानते हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं केवल साधनों के साथ जीना संभव नहीं है, लेकिन साधनों की क्या अब स्थिति है अखंड समाज में उसको उन्होंने यहाँ विश्लेषित किया। फिर इसके बाद विकास और जागृति क्रम के ऊपर बात हुई, यहाँ तक हम लोग पहुंचे मूल रूप से जो 21 अध्यायों में बात आई। अब यदि इनके थोड़े से बिंदुओं पे नजर डालते हैं तो जैसे पहला अध्याय है तो जिसमें ये कहा गया कि मानव में अभ्योधार्थ अभ्यास की अनिवार्यता है, ऐसा पहला जो अध्याय है उसमें ये बात की गई है ना। तो इसमें अभ्यास नागराज जी कह रहे हैं कि भाई मैं जो है अभ्यास दर्शन का विश्लेषण कर रहा हूं, तो उसमें उन्होंने कहा कि मानव में अभ्यास की अनिवार्यता है और अनुमान क्षमता ही अभ्यास का आधार है, अनुभव से अधिक उदय ही अनुमान है और यही निरंतर अभ्यास है। तो अभ्यास क्या चीज है, तो अनुमान क्षमता है, अनुमान क्षमता से क्या होगा, तो उदय होगा अग्रिम गति के लिए जो है उदय, तो उदय ही अनुमान है और यही निरंतर अभ्यास है। उदय क्या है, परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय। हाँ जी, अनुमान जो शब्द यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं
वो कल्पनाशीलता के लिए कर रहे हैं, आशा विचार इच्छा जिसको बोल रहे हैं अपन, 4.5 भी है नहीं फिर नहीं क्या है, अनुमान क्षमता है। अनुमान स्थिति वत्ता का होता है ना, कल्पनाशीलता क्रिया की होती है ना। नहीं, अनुमान जो होता है वो कल्पनाशीलता के बगैर थोड़ी ना हो जाएगा। भाई जो कल्पनाशीलता है उसमें क्रिया का अनुमान लगता है, क्रिया क्रिया के बारे में कल्पनाशीलता शब्द आता है ना, जिसको अपन कल्पनाशीलता कह रहे हैं, और जिसको अपन अनुमान कह रहे हैं वो स्थितिवत्ता का अनुमान। स्थितिवत्ता आगे आएगा इसमें, इसी में आगे उन्होंने इसको डिफाइन किया है। अच्छा हाँ, फिर आपका ये प्रश्न को रखते हैं अभी, अनुमान क्या है ना, और अनुमान और कल्पनाशीलता में क्या अंतर है, इस प्रश्न को भी रखते हैं है ना। फिर इसके बाद ये कहा गया कि अभ्योदय ही अभ्यास की प्रत्यक्ष उपलब्धि है, और अभ्योदय को बताया गया कि अभ्योदय सर्वतोमुखी समाधान है, जो अध्याय एक में जो बताया गया। फिर इसके बाद व्यापक सत्ता में अनुभव और प्रकृति दर्शन प्रसिद्ध है, तो ये दो दो बातों को इसमें कहा गया कि जो सत्ता में संपर्क जल चैतन्य प्रकृति है उसमें दो चीजें हैं, एक है जिसको हम लोग अनुभव करते हैं और दूसरी चीज है जिसको हम दर्शन करते हैं ना। तो जो अनुभव जो होता है वो स्थितिवत्ता का होता है, और जो दर्शन होता है वो क्रिया का होता है ना। क्रिया जो है वो स्थितिवत्ता के साथ ही होती है, लेकिन जिस उसमें जो अनुभव वाला जो हिस्सा है वो स्थिति का होता है, जिसको अपन स्थितिवत्ता भी कह रहे हैं, जो क्रिया में नियम न्याय धर्म सत्य के रूप में है, जो ज्ञान के रूप में स्थितिवत्ता है, उसकी अनुभूति होती है। फिर इसके बाद ये कहा गया कि जो उस सबको डिफाइन किया उन्होंने, सत्ता में संपर्क जड़ चैतन्य प्रकृति को, और इसके बाद में वो इस जगह पे आए कि व्यंजनीयता ही दर्शन क्षमता और अनुभव ही आनंद है। तो जो जो अनुभव में जो चीज आती है उससे तो उपलब्धि के रूप में आनंद है, लेकिन जो दर्शन क्षमता है ना, वो व्यंजनीयता। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो व्यंजनीयता है वो दर्शन क्षमता है और अनुभव ही आनंद है। फिर इसके बाद व्यंजनीयता को उन्होंने डिफाइन किया है, और फिर ये कहा कि व्यंजनीयता ही अभ्योदय की कामना का आधार है, जो मन वृत्ति चित बुद्धि में ही व्यंजित होने व्यंजित करने की क्षमता पाई जाती है। फिर इसके बाद ये कहा कि चैतन्य इकाई में ही संचेतना को प्रकट करने की योग्यता है, और यह योग्यता जो है रासायनिक क्रियाकलाप में नहीं होती है, केवल जो है जीवन में, और वो भी मानव जीवन में ही होती है, जिसको अपन ज्ञानावस्था में कह रहे हैं उसमें ही संचेतना का प्रकटन होता है। ठीक है, तो इस अध्याय में मूल रूप से इतनी ही बात की गई है ना। तो पहली बात ये की गई कि संपूर्ण क्रियाएं सत्ता में, व्यापक सत्ता में संपर्कत हैं, जड़ चैतन्य ही है, और जो जड़ चैतन्य ही है। फिर दूसरी बात की गई है कि चेतन अवस्था में क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता की संभावना है, और इसके बाद कहा कि मानव में अभ्यास की अनिवार्यता है, अनुमान क्षमता ही अभ्यास का आधार है, अनुभव से अधिक उदय ही अनुमान है, और यही निरंतर अभ्यास है। फिर इसके बाद कहा कि अभ्युदय ही अभ्यास का की प्रत्यक्ष उपलब्धि और प्रमाण है ना। फिर इसके बाद ये कहा कि व्यापक सत्ता में अनुभव ज्ञान और प्रकृति दर्शन प्रसिद्ध है ना। इसके बाद उन्होंने कहा कि व्यंजनीयता ही दर्शन क्षमता है और अनुभव ही आनंद है। फिर इसके बाद आगे ये कहा व्यंजनीयता एवं व्यंजनोत्पादीयता ही संवेदना है, तो यहाँ संवेदना को व्यंजना से जोड़ के उन्होंने स्पष्ट किया, और फिर इसमें अंत में ये कहा गया कि व्यंजनीयता ही अभ्युदय की कामना का आधार है, मन वृत्ति चित बुद्धि में ही है ना व्यंजित होने और व्यंजित करने की क्षमता है, और जो अनुभव क्षमता है वो आत्मा में है ना। इस तरीके से व्यंजना और अनुभव के अंतर को स्पष्ट किया, लेकिन ये जो व्यंजना है
और जो अनुभव है वो संचेतना के रूप में मानव के चैतन्य निकाय में ही संचेतना प्रकट करने की क्षमता है, जबकि यह योग्यता जो है रासायनिक या जड़ क्रियाकलापों में नहीं है, है ना। तो मूल रूप से जो संचेतना है वो चैतन्य क्रिया क्रिया में 122 प्रकार की संचेतनाएं पाई जाती है, और यही 122 प्रकार की संचेतनाएं मानव में यानी अखंड समाज में 122 प्रकार के आचरण के रूप में गण्य होती है। तो इनको देख पाना ही जो दर्शन क्षमता है, जिसको अपन दर्शन क्षमता कहते हैं, इसी में जी पाना ही जो है वो अनुभव है। इस तरीके से दर्शन और अनुभव के भेद को उन्होंने स्पष्ट किया। ठीक है, ये अध्याय एक का इतना जो है समीक्षा हो रहा है। इसमें कोई मूल बात है पूछने की, नहीं तो आगे बढ़े, बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, है ना। फिर अध्याय दो है अभ्यास की अनिवार्यता, ऐसा अभ्यास दो में बोला गया। तो वो कह रहे हैं कि अभ्यास को यहाँ एक दूसरे तरीके से फिर डिफाइन किया, वहां पे अनुमान के रूप में किया था, यहाँ पे कहा अभ्योदय के अर्थ में किया गया आयास ही अभ्यास है, है ना। और अब आयास को बताया है आकांक्षा और हर्ष सहित किया गया प्रयास। दूसरे तरीके से उन्होंने कहा कि क्या क्यों कैसे के उत्तर पाने के लिए किया गया बौद्धिक वाचिक कायिक क्रियाकलाप अभ्यास है, अर्थात समाधान होने के लिए अभ्यास है, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि समाधान होने के लिए और या अभ्योदय के लिए, और अभ्योदय का मतलब है सर्वतोमुखी समाधान। तो समाधान होने के लिए अभ्यास है। फिर कहा कि मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन पूर्वक कुशलता पांडित्य पूर्ण व्यवहार ही अभ्यास का प्रधान लक्षण है। तो कह रहे हैं कि ये जो समाधान संपन्न होने के लिए जो अभ्यास है उससे क्या होगा, तो मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन, मूल प्रवृत्तियों में परिमार्जन होगा। मूल प्रवृत्तियां क्या है, तो जिनको आशा विचार इच्छा और संकल्प कह रहे हैं ये मूल प्रवृत्तियां, इनमें परिमार्जन होगा। तो परिमार्जन होने से क्या होगा, तो परिमार्जन पूर्वक कुशलता पांडित एवं पूर्ण व्यवहार जो है वो उसकी ओर गति बनेगी, है ना, जिसको कह रहे हैं। फिर इसी को नीचे उन्होंने डिफाइन किया है कि व्यक्ति में मूल प्रवृत्ति विचार के रूप में है, परिवार में आचरण के रूप में, समाज में सम्मति प्रोत्साहन और भागीदारी के रूप में है, और राष्ट्र में शिक्षा व्यवस्था के रूप में, अंतरराष्ट्र में जो है मानव चेतना के रूप में। तो ये जो जीवन में मनवृत्ति चित्त बुद्धि तक जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनमें जो परिमार्जन है उसका परावर्तित रूप जो है व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र और अंतरराष्ट्र में कैसे होगा, तो उसको यहाँ उन्होंने स्पष्ट किया। फिर ये कह रहे हैं कि सर्वतोमुखी समाधान ही अभ्योदय है, और मानव में जो समाहित चारों आयाम पांचों स्थितियों में जो है उनको मिला के सर्वतोमुखी कह रहे हैं। सर्वतोमुखी शब्द का मतलब यही है, यानी चारों आयाम और पांचों स्थितियों इनकी एक सूत्रता ही सर्वतोमुखी समाधान है। तरीके से सर्वतोमुखी समाधान को चारों आयाम और पांचों स्थितियों की एक सूत्रता के रूप में जो है यहाँ पर स्पष्ट किया गया। फिर ये कहा गया कि मानव जन्म से न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार और सत्य का वक्ता है, और साथ ही वो न्याय प्रदान करना चाहता है, है ना, सही कार्य व्यवहार करना चाहता है। फिर प्रत्येक कार्य को सही रूप में व्यवहार प्रदान करना चाहता है, इस तरीके से कहा। फिर कहा कि मानव में उत्पादन व्यवहार प्रयोग अनुभव एवं चिंतनाभ्यास प्रसिद्ध है, ये बात उन्होंने कही। फिर कहा कि उत्पादन ही कर्माभ्यास है, तो उत्पादन के रूप में जो निपुणताओं को विकसित करना और निपुणता को जो है प्राकृतिक ऐश्वर्य में नियोजित करना और उससे जो है उत्पादित वस्तु जो मानव की आवश्यकता है उस आवश्यकता पूर्ति के लिए वस्तुओं को प्राप्त करना, ये इसको कर्माभ्यास कहें। इसके बाद है व्यवहार ही विचाराभ्यास है, क्योंकि जो जो भी व्यवहार करने के लिए विचार में समाधान का होना आवश्यक है। यदि विचार में अंतर्द्वंद है, संदिग्धता है, द्वेष है या भय है, तो वही व्यवहार में परिलक्षित होता है। यदि विचार में संकीर्णता है, व्यक्तिवाद है, समुदायवाद है, जातिवाद है, तो वही व्यवहार में भी परिलक्षित होता है। इसलिए वो कह रहे हैं व्यवहार ही विचाराभ्यास है, तो विचाराभ्यास पूर्वक ही न्यायपूर्ण व्यवहार
के लिए अभ्यास है। फिर इसके बाद का अनुभव संयोग ही चिंतनाभ्यास है, क्योंकि मानव के जीवन में मूल रूप से ये तीन ही कार्यक्रम है, अनुभव, व्यवहार और उत्पादन। इसी को कह रहे हैं अनुभव प्रमाण, व्यवहार प्रमाण और प्रयोग प्रमाण। इस तरीके से ये मानव परंपरा में प्रमाणित होता है। फिर इसके बाद ये कहा गया कि मानव जागृत होने के लिए अभ्यास करता है और यह क्रम जागृति पूर्णता तक रहता है। फिर कहा कि कर्माभ्यास के लिए भौतिक शास्त्र, व्यवहाराभ्यास के लिए भौतिक शास्त्र और चिंतनाभ्यास के लिए अनुभव मूलक मध्य दर्शन प्रसिद्ध है। फिर इन्होंने कहा कि नियंत्रण को व्यंजित कराने योग्य प्रसारण क्रिया ही शास्त्र है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो जिसको अपन व्यंजना कहते हैं, वही व्यंजना शास्त्रों के रूप में है ना चरितार्थ होती है। इसीलिए लिखा है कि प्रसारण की चरितार्थता ही व्यंजनीयता है। तो जैसे बाबा जी को जो भी कुछ अनुभव हुआ, उस अनुभव के कारण से मन वृत्ति चित्त बुद्धि में जो व्यंजनाएं हुई, जिसके कारण से वो सहस्तित्व रूपी दर्शन क्षमता से संपन्न हुए, उसी को जो उन्होंने प्रसारित करने के अर्थ में शास्त्रों की रचना की, वही व्यंजनीयता है ना। तो ये जो व्यंजनीयता है वो दर्शनवाद शास्त्र संविधान के रूप में, दर्शनवाद शास्त्र संविधान योजनाओं और व्यवस्था के रूप में जो है मानव जाति के सम्मुख उन्होंने जो व्यंजना है, जो सत्य की व्यंजना है, उसको उन्होंने प्रकट किया। इस रूप में यहाँ पर व्यंजनीयता को जो है उन्होंने डिफाइन किया। फिर इसके बाद ये लिखा है कि संपूर्ण व्यंजनीयता शब्द एवं अर्थों को स्थिति गति के रूप में स्वीकार करने की क्रिया है और यह संपूर्ण मानव में सार्थक होने वाली स्थिति जो है नित्य समीचीन है। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो भी कुछ उन्होंने अस्तित्व से अस्तित्व में देखा, जिसको अपन दर्शन कह रहे हैं, वो दर्शन शब्द एवं अर्थ को स्थिति गति के रूप में है ना, स्थिति यानी उसके होने और गति का मतलब उसके रहने यानी उसके आचरण के रूप में जो है जो स्वीकार करने की क्रिया है, इसको कह रहे हैं कि वो संपूर्ण व्यंजनीयता है और यही संपूर्ण मानव में सार्थक होने वाली स्थिति नित्य समीचीन है। और वो कह रहे हैं कि सभी मानव में सार्थक हो सकती है, ऐसा कह। फिर बाद में आगे जाके ये कहा कि मानव में क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति जो है वो प्रसिद्ध है। और उन्होंने कहा कि जो क्रिया शक्ति है वही कर्माभ्यास है और जो इच्छा शक्ति है वही व्यवहाराभ्यास है या शास्त्राभ्यास है, और जो ज्ञान शक्ति है वो चिंतनाभ्यास है ना और प्रमाण के रूप में प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति है ना, वो जीवन में किस तरीके से रहती है और वो मानव परंपरा में किस प्रकार से परावर्तित होती है, तो उसको उन्होंने बताया कि वो कर्माभ्यास, व्यवहाराभ्यास, विचाराभ्यास और चिंतनाभ्यास के रूप में और चिंतन के प्रमाण के रूप में जो है वो पहचानने में आती है। फिर आगे जाके कहा कि कर्माभ्यास से प्रतिफल की प्राप्ति होती है जो भौतिक रासायनिक वस्तु है या समृद्धि है, व्यवहाराभ्यास से सह अस्तित्व सहज प्रमाण आते हैं जो परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र के रूप में अखंड समाज तक जो है व्यवहार की एक सूत्रता के रूप में। फिर चिंतनाभ्यास से ज्ञान, विवेक, सहज प्रमाण और संस्कार में गुणात्मक परिवर्तन आता है, फलतः अनुभव सहज प्रमाण है जो प्रत्यक्ष है। फिर कहा कि कर्माभ्यास पूर्वक भौतिक समृद्धि है, व्यवहाराभ्यास पूर्वक बौद्धिक समाधान है और चिंतनाभ्यास पूर्वक अनुभव पूर्वक परमानंद की निरंतरता है। फिर आगे कहा कि जड़ चैतन्यात्मक स्थितिवत्ता में जो व्यवस्था है वही नियति क्रम है, जिसको अपन नियति क्रम कह रहे हैं। फिर आगे इसी में नीचे ये कहा कि नियंत्रण पूर्वक व्यवस्था ही न्याय शास्त्र एवं नियंत्रण क्रम ही व्यवस्था है। तो यहाँ पे न्याय शास्त्र और नियंत्रण क्रम को जो है ना उन्होंने डिफाइन किया व्यवस्था के रूप में। फिर लिखा है कि नियंत्रण ही विधि है और क्रम ही नीति है और विधि और नीति के योगफल में ही व्यवस्था है ना। तो इसीलिए इन दोनों को समझना यानी विधि और नीति को समझना ही जो है समाधान है और उसी का जो समाधान का परावर्तित रूप ही व्यवस्था है। तो दूसरे अध्याय में इसके बाद दूसरे अध्याय में ये कहा कि जागृत मानव में अखंडता ही सामाजिकता है। और फिर ये भी कहा कि
अलग अलग प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, जैसे पदार्थावस्था में सामूहिकता, प्राणावस्था में वर्गीयता, जीवावस्था में जातीयता, भ्रमित ज्ञानावस्था में सामुदायिक बाध्यताएं दृष्टभ होती हैं। जागृति पूर्वक अखंड समाज सार्वभौमता जो है सूत्र व्याख्या के रूप में होती है, इसलिए जागृत मानव में अखंडता ही सामाजिकता है। और फिर ये कहा कि ये जो अखंडता है वो मानव में चारों आयाम और पांचों स्थिति में मध्यस्थता सहज सुलभ है, और मध्यस्थता अनुशीलन के बिना मानव में अखंडता नहीं, मध्यस्थता आवेश नहीं है, इसके पर्यंत जागृति का अभाव नहीं। फिर इसके बाद ये कहा कि जो जिसमें जो जिसको प्रकट करता है उसमें उसके स्वागत यानी ग्रहण करने की क्षमता रहती है, इसको डिफाइन किया रूप रूप गुण स्वभाव धर्म में, है ना। तो रूप का रूप में मिलन है, गुण का गुण में, स्वभाव का धर्म का धर्म के साथ मिलन है। फिर आगे कहा कि प्रत्येक मानव स्वतंत्र स्वतंत्रित और स्वतंत्रता पूर्वक होना चाहता है। तो प्रत्येक मानव स्वतंत्र स्वतंत्रित और स्वतंत्रता पूर्वक होना चाहता है। फिर उसको डिफाइन किया नीचे जाके, स्वतंत्रता पूर्णता का प्रत्यक्ष रूप क्या है, तो ज्ञान विवेक विज्ञान का प्रयोग है, और ये प्रयोग किसमें होगा, तो नियम पूर्ण उत्पादन में, न्याय पूर्ण व्यवहार में, धर्म पूर्ण विचार में, सत्य पूर्ण अनुभूति में, यही स्वतंत्रता सहज प्रमाण है जो जागृति पर आधारित है। फिर आगे ये कहा गया कि धर्म न्याय और नियम में प्रतिबद्धताएं हैं और साथ में अनुभूति है, इसके अतिरिक्त संकल्प का विकल्प भावी है, इसके अतिरिक्त अस्तित्व नहीं है, जैसे असत अज्ञान अंधकार मृत्यु भाषित होते हुए भी स्थिति में यानी अस्तित्व में नहीं है। फिर ये कहा गया कि स्वीकृति, स्वीकृति से संकल्प, संकल्प से निष्ठा, निष्ठा से प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता से प्रबुद्धता, प्रबुद्धता से बोध, बोध से संकल्प, संकल्प से क्षमता, क्षमता से जागृति, जागृति से स्वीकृति प्रमाण है। फिर इसी में आगे जो है थोड़ा सा उन्होंने प्रबुद्धता ही समाधानात्मक भौतिकवाद है, व्यवहारात्मक जनवाद है, अनुभवात्मक आध्यात्मवाद की स्थापना प्रस्थापना और अक्षुण्णता के रूप में प्रबुद्धता प्रत्यक्ष है। फिर कहा कि समाधानात्मक भौतिकवाद में अर्थ के उत्पादन उपयोग वितरण व्यवस्था में एक सूत्रता है जो न्याय सम्मत है, उसको उन्होंने फिर डिफाइन किया। और फिर ये कहा कि मानवीयता में शिक्षा संस्कार में व्यवस्था की एक सूत्रता है, अमानवीयता में एक सूत्रता का अत्याभाव है, अति मानवीयता में मानव स्वतंत्रता पूर्वक एक सूत्रता सहित प्रमाण। फिर ये कहा जागृत मानव में 122 प्रकार के आचरण पाए जाते हैं, जागृत मानव ही स्वतंत्रित है। फिर ये कहा कि मानवीयता पूर्ण मानव संयमता में से के लिए स्वतंत्रता का प्रमाण है और ऐषणात्रय सहित उपकार करता है। फिर स्वतंत्रता के प्रमाण में संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता नियंत्रित रहना पाई जाती है, प्रत्येक मानव स्वतंत्रता के प्रति आशुक कल्पनाशील और इच्छुक है, ठीक है। फिर अनुभव बोध इच्छा आशा को डिफाइन किया। और फिर आए कि मध्यस्थ क्रिया ही पूर्ण जीवन की स्वतंत्रता है, मध्यस्थ क्रिया का अस्तित्व है इसलिए स्वतंत्रता की संभावना है। मानव में उत्पादन में नियम पूर्वक, व्यवहार में न्याय पूर्वक, विचार में समाधान पूर्वक और सह अस्तित्व में अनुभव पूर्वक मध्यस्थ पूर्ण होना पाया जाता है। तो ऊपर कहा कि मध्यस्थ क्रिया ही अस्तित्व है, मध्यस्थ क्रिया का अस्तित्व है इसलिए स्वतंत्रता की संभावना है। उसी को कहा कि मानव में उत्पादन में यदि वो नियम पूर्वक उत्पादन है या न्याय पूर्वक व्यवहार है या समाधान पूर्वक विचार है और सह अस्तित्व में अनुभव पूर्वक मध्यस्थ का पूर्ण होना पाया जाता है, तो इससे ये पता लगता है कि उत्पादन नियम की मध्यस्थता में, व्यवहार न्याय की मध्यस्थता, विचार धर्म या समाधान की मध्यस्थता में और अनुभव जो है सह अस्तित्व में व्यापक सत्ता की मध्यस्थता में, है ना, मध्यस्थ क्रिया का पूर्ण होना पाया जाता है। मध्यस्थ पूर्णता की प्रेरणा मध्यस्थ क्रिया में ही है और यह जो है सम विषम
का नियंत्रण है, यानी सम विषम से मुक्त है, इस तरीके से मध्यस्थता को उन्होंने इंगित किया। फिर कहा कि पूर्ण जागृति परम सत्य रूपी सह अस्तित्व में अनुभूति है। फिर कहा कि मानवीयता का उत्कर्ष ही अति मानवीयता के लिए प्रेरणा है। फिर ये उत्कर्ष पदार्थावस्था प्राणावस्था जीवावस्था में बना रहता है, उसको डिफाइन किया। फिर कहा कि व्यक्तिगत रूप में संस्कार प्रवृत्तियों के रूप में है, वही परिवार में आचरण के रूप में, समाज में आचरण और संस्कृति के रूप में, राष्ट्र में जो है संस्कृति सभ्यता और व्यवस्था के रूप में, अंतरराष्ट्र में जो है विधि और सार्वभौम व्यवस्था के रूप में प्रमाण प्रसिद्ध है। फिर नियम न्याय धर्म सत्य जो है वो अखंड है, क्योंकि इसकी मात्रा का निर्णय नहीं होता है, तो इसीलिए मानव जो है नियम न्याय धर्म सत्य का अनुसरण अनुशीलन अनुगमन पूर्वक ही अनुभव के लिए प्रेरित है। यही अखंड सामाजिकता और सार्वभौम व्यवस्था का स्पष्ट संभावनात्मक तथ्य है। तो फिर बाद में इसमें ये कहा गया, मानव में संस्कार ही विचार एवं आचरण है, यही सम्यक्ता के लिए अपेक्षा है। संस्कार की सम्यक्ता के बिना सामाजिकता की अखंडता सार्वभौमता तारतम्यता और एक सूत्रता जो है वो संभव नहीं है। इसलिए संस्कार मानव में संस्कार ही विचार और आचरण है, इस रूप में उन्होंने संस्कार को स्पष्ट किया। फिर बाद में संचेतना ही मानव की विशेषता है, और यही विशेषता समाधान के रूप में, समन्वयता के रूप में, तारतम्यता के रूप में, संतुलन और संगीतमयता को पाने के रूप में एकमात्र अधिकार है। फिर कहा कि प्रेम वात्सल्य श्रद्धा ममता सम्मान स्नेह विश्वास गौरव कृतज्ञता संज्ञानशीलता का प्रत्यक्ष रूप है, इसके बिना जो है सामाजिक व्यवहार संपन्न होना संभव नहीं है। फिर एक बार फिर से उन्होंने अभ्यास को एक नए तरीके से समझाने का प्रयास किया कि जाने हुए को मानना, माने हुए को जानना ही अभ्यास है। अभ्यास का प्रत्यक्ष रूप जो है वो निपुणता कुशलता पांडित्य की चरितार्थता है, यही उसकी प्रतिष्ठा एवं आप्त कामना भी है। भैया पेज नंबर एक बार बोल। ये बस खत्म हो गया, दूसरे अध्याय का लास्ट पैराग्राफ था ये जो मैंने अभी पढ़ा, दूसरे अध्याय का। अब इसमें कोई मुद्दा है जिसमें थोड़ा सा कुछ बात कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़े। तो पंडित जी, तुमने पढ़ा था ना, तो ये एक चीज आपने बड़े तरीके से बताई, जैसे वो अपने बोलते हैं ना कर्म दर्शन में, कायिक वाचिक मानसिक और कृतकारित अनुमोदित 3x9 नौ तरह के मतलब कर्म करता है। हाँ, नौ तरीके से कर्म करता है। हाँ, इसी तरीके से आपने इसको जोड़ा अध्याय 2 का जो फोर्थ पैराग्राफ, उसमें चारों आयाम और पांचों स्थितियों को बोल के आपने बोला 4x5 20 जो है ना, 20 तरह का मतलब ये समाधान है आदमी के पास। सर्वतोमुखी समाधान ही अभ्युदय है, मानव में समाहित चारों आयाम एवं पांचों स्थितियां सर्वतोमुखी, पांचों स्थितियों की। हाँ, तो इसको जवाब सर्वतोमुखी है। तो कहीं ना कहीं आपने ये बोला कि 4x5 20 20 तरीके का समाधान आदमी के पास है, तो ये ना जैसे आपके साथ पहले भी हमने ये पठन पाठन किया ही है, तो इस तरीके से कहीं और तो नहीं लिखा हुआ है ये 20 तरीके के समाधान के पास है। नहीं देखिए, जिसको अपन सर्वतोमुखी समाधान कह रहे हैं ना, अब यदि हम इसको व्यवहार आयाम में देखें तो व्यक्ति में समाधान, परिवार में समाधान है ना,
समाज में समाधान, राष्ट्र में समाधान, अंतरराष्ट्र में समाधान, अंतरराष्ट्र में समाधान को सर्वोपरि समाधान। इसी तरीके से यदि हम समृद्धि को देखें तो समृद्धि जो है व्यक्ति में समृद्धि, परिवार में समृद्धि है ना, और समाज में समृद्धि, राष्ट्र में और अंतरराष्ट्र में समृद्धि। और अंतरराष्ट्र में समृद्धि को ही कह रहे हैं कि वो मूल समृद्धि है, यानी जब पूरी मानव जाति के लिए समृद्धि सुलभ हो जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो व्यवहार आयाम में पांच स्थितियों में व्यवहार आयाम में समाधान है या न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता है। तो इसी तरीके से यदि हम विचार आयाम में देखेंगे तो विचार आयाम का मतलब है कि व्यक्ति में जो समाधान है धर्मपूर्ण विचार का प्रकटन, परिवार में धर्मपूर्ण विचार का प्रकटन, समाज में धर्मपूर्ण विचार का प्रकटन, राष्ट्र में धर्मपूर्ण विचार का प्रकटन और अंतरराष्ट्र में धर्मपूर्ण विचार का प्रकटन है ना। तो परिवार में आचरण के रूप में, समाज में जो है सम्मति प्रोत्साहन और भागीदारी के रूप में, और राष्ट्र में शिक्षा और व्यवस्था के रूप में धर्मपूर्ण विचार है ना, और अंतरराष्ट्र में। तो इस तरीके से वो 20 हो जाते हैं जिसको अपन ने कहा। तो ऐसे ही अनुभव आयाम है, जैसे एक परिवार, एक व्यक्ति का अनुभव और एक परिवार का अनुभव, समाज का अनुभव, राष्ट्र का अंतर और पूरी मानव अखंड समाज का अनुभव है ना। तो इसमें अंतर रहेगा, तो इसीलिए लिखा है चार आयाम और पांच, इसको मिला के आप इसको 20 भी कर सकते हैं, 20 के रूप में भी समझ सकते। नहीं तो कई बार क्या होता है, लोग व्यक्ति में ही समझ के रह जाते हैं, बस व्यक्ति से आगे नहीं समझते। अच्छा, इसको जब अपन आगे व्याख्याएं पढ़ते हैं तब पता लगता है कि व्यक्ति का आचरण परिवार का आचरण नहीं है, परिवार के आचरण में व्यक्ति का आचरण समाया रहता है, समाज का आचरण परिवार का आचरण नहीं है, लेकिन समाज के आचरण में परिवार का आचरण समाया रहता है, क्योंकि परिवारों का सम्मिलित आचरण ही समाज का आचरण बनता है। लेकिन जो सम्मिलित आचरण बनता है ना वो परिवार का आचरण नहीं है, वो समाज का आचरण। इस तरीके से चरित्र बोलते हैं ना, है? उसको आचरण नहीं बोलते हैं, उसको चरित्र बोलते हैं। किसको? जो समाज में आचरण की जो बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब जिसको अपन चरित्र कहते हैं ना, जिसको नैतिकता कहते हैं, राष्ट्र में होती है। हाँ जी। तो नैतिकता में चरित्र शामिल है और चरित्र में मूल्य शामिल है ना। मतलब मूल्यों के बिना चरित्र नहीं है ऐसा। तो जो चरित्र है वो मूल और चरित्र है, नैतिकता जो है मूल और चरित्र नैतिकता है ऐसा। इसी पेज पे ना लास्ट लाइन में उत्पादन ही कर्माभ्यास, व्यवहार ही कर्माभ्यास एवं अनुभव संयोग ही चिंतनाभ्यास है। हाँ जी, संयोग क्यों लिखा है? है? अनुभव संयोग, संयोग वर्ड यूज क्यों किया है आपने? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, अनुभव संयोग लिखा है। हाँ, संयोग का क्या मतलब होता है? नहीं, मतलब जैसे ये जो अपने तीन प्रमाण की बात हो रही है ना, प्रयोग प्रमाण, व्यवहार प्रमाण और अनुभव प्रमाण, इसमें स्पेसिफिकली उत्पादन को अलग से लिख दिया, व्यवहार को लिख दिया, अनुभव के साथ संयोग लिखा है। हाँ, लेकिन संयोग का परिभाषा बाबा जी ने दिया है ना, पूर्णता के अर्थ में मिलन। उसको कह रहे हैं संयोग है ना। तो पूर्णता के अर्थ में मिलन जो है वो अनुभव में ही होता है, इसलिए लिखा। फिर यहाँ अभ्यास तीन ही तरीके के बताए हैं, कर्माभ्यास, विचाराभ्यास और चिंतनाभ्यास। हाँ, जबकि शास्त्राभ्यास भी एक अभ्यास है। वो शास्त्राभ्यास विचाराभ्यास एक ही चीज है। विधानाभ्यास। हाँ, विधानाभ्यास जो है वो जिसको अपन व्यवहाराभ्यास कह रहे हैं वही विधानाभ्यास। तो एक समय तक वो व्यवहाराभ्यास रहता है, एक स्थिति के बाद विधानाभ्यास हो जाता है। जब व्यवहार जो है समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में जाता है तो वो विधानाभ्यास हो जाता है, उससे पहले तक वो व्यवहाराभ्यास है। तो इसको शास्त्राभ्यास, जो विचाराभ्यास शास्त्राभ्यास कहा गया है, तो जो जिसको अपन विचाराभ्यास कहते हैं उसकी शुरुआत शास्त्रों के पठन से होती है ना। पठन पाठन को शास्त्राभ्यास बोल रहे हैं। हाँ, पठन पाठन
जिसको पढ़ना, पाठन किए हुए को स्मरण में रख के, हाँ, उसको जो दो तरह के दूसरे विचार हमारे पास पहले से हैं, हाँ हाँ, उसके साथ मिला के जो भी हम सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं उसको अपन बोल रहे हैं भासाभास, ऐसा ही है? नहीं, जो भासाभास प्रतीति जो है ना, स्थिति वत्ता का होता है। प्रतीति तो चिंताभ्यास में होगा, विचाराभ्यास में प्रतीति होगी? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो भासाभास प्रतीति अनुभूति ऐसा लिखा हुआ है ना, हाँ, तो ये जो भासाभास प्रतीति अनुभूति है वो स्थिति वत्ता की होती है। मतलब जो न्याय धर्म सत्य के रूप में जो स्थिति वत्ता है, जो ज्ञान के रूप में, विवेक के रूप में स्थिति वत्ता है, उसका भासाभास प्रतीति होती। जैसे सुख शांति संतोष आनंद का भासाभास, जैसे विश्वास सम्मान प्रेम स्नेह ममता वात्सल्य, इसका जो है भासाभास प्रतीति है। विश्वास का भास, विश्वास का आभास, विश्वास की प्रतीति और विश्वास के जो स्थिति स्थितियां हैं जिनको अपन स्थिति कहते हैं, जो जो क्रिया में स्थितियां है ना, जो क्रिया में निरंतर स्थिति के रूप में है, उसी को स्थिति वत्ता कहते हैं। स्थिति वत्ता का भासाभास प्रतीति अनुभूति होती, बाकी का आचरण होता है। बाकी फिर क्या बचा? आचरण। आचरण नहीं, ये जितने भी आपने नियम न्याय धर्म सत्य, यही तो आचरण में आने वाली चीज है। हाँ, जो वो नियम पूर्वक होता है, न्याय पूर्वक, धर्म पूर्वक, यानी जो जो व्यवहार है, यदि वो न्याय पूर्वक होता है, यानी न्याय न्याय की स्थिति वत्ता जो है वो व्यवहार में बनी रहे, उसको फिर आचरण कहते हैं। आचरण क्रिया सहित है और जो अनुभूति है वो क्रिया विहीन है। क्रिया जो विहीन वास्तविकताएं हैं जिनको अपन व्यापक वस्तु भी कहते हैं, उसी का अनुमान होता है और उसी की अनुभूति होती है, उसी का भास होता है। सत्यवत्ता का भास, ऐसा लिखा है ना अनुभव दर्शन में, सत्यवत्ता। सत्यवत्ता का मतलब है जो जो क्रिया में जो स्थिति है उसका। जैसे कि ये जीवन मूल्य, स्थापित मूल्य, स्थापित मूल्य स्थिति है ना, उसी का भासाभास प्रतीति हो, प्रतीति अनुभूति है। ज्ञान को तो जितनी भी बातें हैं उनका यही होना है ना, भासाभास प्रतीति होनी है। हाँ, उसी का अनुमान है, जिसको अपन अनुमान है। इंद्रिय गोचर चीजों को छोड़ दें, यानी कि आकार आयतन और इन सब चीजों को छोड़ दें, हाँ, उनका भासाभास नहीं होता है। वो तो सीधी दिखती हैं, जैसी भी दिखती हैं वो सीधी दिखती है, इसलिए भासाभास का कोई प्रश्न ही नहीं। उसमें भी अनुमान लगाते हैं, 50% दिखाई देती है ना अपने, हैं वो भी 180 डिग्री में दिखती है ना अपने को, बाकी जो उसमें दूसरी साइड का तो अंदाजा ही लगाते हैं, अनुमान ही लगाते हैं। हाँ नहीं, अनुमान इसलिए लगाते हैं क्योंकि देखा हुआ रहता पहले से, नहीं तो क्या अनुमान लगाए। स्मरण में रहता है मतलब, पूर्व स्मृति रहती है। लेकिन जो कोई क्रिया है उसमें जो नियम है उसका भासाभास होता है, उसकी प्रतीति होती है। नियम नियम हमको इंद्रियों से नहीं आता ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इंद्रियों से नहीं आता। किसी इंद्रियों से नियम जो है वो दिखता नहीं है ना, पहचानने में पकड़ने में नहीं आता, तो इसलिए नियम का अनुमान लगता है और नियम का ही भासाभास प्रतीति अनुभूति होती है। यानी जब नियम पूरा समझ में आ गया तो अनुभूति, उससे पहले उसका भास लगता। जैसे हर हर चीज जो है नियम पूर्वक चलती है, ये भास मानव जाति बना रहता है। ठीक है, आगे चल सकते हैं, आगे चल सकते हैं, तीसरे अध्याय पे आ जाएं। हाँ, किसी को और कुछ डिस्कस करना हो तो बताइए। दो अध्याय अपन ने समरी करी है, इसी के बारे में बताया और जी ने दूसरे पैराग्राफ में जो है, दूसरा जो अपना चैप्टर है
और ये इम्पोर्टेंट क्यों है वो इसलिए उन्होंने बताया कि समृद्धि के समृद्धि हमें चाहिए तो वो कर्माभ्यास के बगैर नहीं आएगी, इसलिए इसकी अनिवार्यता है। समाधान हमें चाहिए वो विचाराभ्यास के बगैर, न्याय और दोनों चाहिए हमें, चिंताभ्यास के बगैर नहीं आएंगे, है ना। ये इसकी इम्पोर्टेंस होगी ना। हाँ वही मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन के लिए है ना, अभ्यास अभ्यास का जो प्रधान लक्षण है ऐसा लिखा है ना, मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन पूर्वक कुशलता एवं पांडित्य व्यवहार ही अभ्यास का प्रधान लक्षण है। तो मूल रूप से अभ्यास का प्रधान लक्षण ये है, बाकी जो आप कह रहे हैं समाधान समाधान जो है और न्यायपूर्ण व्यवहार है और नियम पूर्ण उत्पादन है, ये सब अभ्यास पूर्वक ही आएगा। ये तो अभ्यास का लक्षण बता दिया ना, अभ्यास का लक्षण बता दिया, अभ्यास की अभ्यास की अभ्यास की अनिवार्यता भी बता दी ना इसी रूप में। जी बताइए इसमें इस पैराग्राफ में अनिवार्यता कहाँ बताइए, ये थर्ड पैराग्राफ पढ़ रहे हो ना चैप्टर टू का? नहीं, जो अभ्यास की अनिवार्य इस पूरे अध्याय में अभ्यास की अनिवार्यता की बात की अध्याय दो में। मूल प्रवृत्ति वो नहीं होती क्या अपनी, असंग्रह विद्या सरलता उनको क्या बोलते हैं पढ़ेंगे? वो भी वो वैचारिक मूल प्रवृत्ति है, तो उसमें क्या परिमार्जन होना है? हैं ये बात वो, कर रहे हैं वो जो है संग्रह असंग असंग्रह संग्रह से असंग्रह भ्रमित मूल प्रवृत्तियों से जागृत मानव की मूल प्रवृत्ति वैचारिक प्रवृत्ति है ना। ये मूल प्रवृत्तियों को दूसरे तरीके से बता रहे हैं। हाँ यहाँ पर यहाँ पे मूल प्रवृत्ति विचार है और परिवार की मूल प्रवृत्ति जो है ना आचरण है, समाज की मूल प्रवृत्ति सम्मति प्रोत्साहन भागीदारी है, राष्ट्र की मूल प्रवृत्ति शिक्षा व्यवस्था के रूप में, अंतरराष्ट्र की जो मूल प्रवृत्ति है वो परिस्थिति मानव चेतना के तो ये पांचों ही जगह पे जो है ना कॉमन हो गया भाई। जो मूल प्रवृत्ति है जो है वो आशा विचार इच्छा संकल्प के रूप में है, तो उसमें मानवीय जब बिठाना है ना ये वही वही जब परावर्तित होगा मानव समाज में तो किस रूप में होगा, तो जैसे अनुभव में सहअस्तित्व है तो अनुभव में जो सहअस्तित्व है वो जो मानव परंपरा में परावर्तित होगा तो वो मानव चेतना के रूप में ही होगा ना, जिसको अपन अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था कह रहे हैं उसी रूप में तो होगा। तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था ही तो आत्मा में अनुभव का प्रमाण है जिसको अपन, और यही मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन का भी प्रमाण है। मतलब कोई को आत्मा में अनुभव हो गया है इसका प्रमाण कहाँ दिखेगा, तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। हाँ जी ठीक है, व्यक्ति में कहाँ दिखेगा, तो व्यक्ति में दिखेगा उसके विचारों। मतलब कोई व्यक्ति को अनुभव है, इस व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे उस व्यक्ति को, लेकिन उसके विचार से देख सकते हैं अपन, तो उसका कार्य व्यवहार ही देखते हैं सिर्फ, विचार तो देख सकते हैं ना भैया, विचार को अपन कैसे देखेंगे? विचार अभिव्यक्ति में आता है जो वो बोलता है, व्यवहार में अभिव्यक्त होता है ना। अरे भाई विचार भी तो अभिव्यक्त होता है ना, विचार ही होता है, विचार हाँ विचार अभिव्यक्त होता है। यदि विचार में समाधान है यानी हर प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो उससे पता लगता है कि व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्ति है विचार की वो परिमार्जित हो गई। यदि उसके पास विचार में उधेड़पुन है, दुविधा है, शंका है, आशंका है, समस्याएं हैं, तो उसकी मूल प्रवृत्ति का परिमार्जन नहीं हुआ है ना जी। और परिवार में यदि न्यायपूर्ण आचरण नहीं है तो कैसे होगा, और यदि समाज में जो न्यायपूर्ण आचरण जो श्रेष्ठता है उसकी सम्मति नहीं है, उसका प्रोत्साहन नहीं है, भागीदारी नहीं है, तो समाज में कोई गुणात्मक मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन हुआ ये सिद्धि नहीं होगा है ना। और राष्ट्र में यदि भ्रमित शिक्षा भ्रमित व्यवस्था है तो राष्ट्र में कहाँ गुणात्मक प्रवृत्तियों का या मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन हुआ है, सिद्ध नहीं होगा। और यदि अंतरराष्ट्र में यदि
समुदाय चेतना बनी हुई है तो मानव चेतना के रूप में उसमें परिमार्जन कहाँ हुआ है, इस रूप में लिखा है उन्होंने, है ना। ठीक बात। फिर आगे अभ्योदय की अनिवार्यता, अध्याय तीन जो है अभ्योदय की अनिवार्यता है। हाँ, ये सर्वतोमुखी समाधान है, मतलब चारों आयाम और पांचों स्थितियों की एक सूत्रता, तो वो क्या नियम न्याय धर्म और सत्य की एक सूत्रता ही की ही बात कर रहे हैं? हाँ, एक सूत्रता जो है वो क्रियाओं में होती है ना, और उसकी एक सूत्रता का जो आधार है वो स्थितिवत्ता होती है, जिसको अपन नियम न्याय धर्म सत्य क्यों होती है, क्योंकि वो सार्वभौमिक है। नियम न्याय धर्म सत्य जो है सार्वभौमिक है, क्रिया सार्वभौमिक नहीं है ना, तो नियम न्याय धर्म सत्य पूर्वक क्रिया जो है सार्वभौमिक आचरण को, सार्वभौमिक व्यवहार को प्राप्त करती है, सार्वभौमिक विचार को प्राप्त करती है। ठीक है, समझ में आया? हाँ ठीक है भैया। हाँ फिर है अभ्युदय की अनिवार्यता, तो इसमें लिखा है कि सर्वतोमुखी विकास ही अभ्युदय है, जो सर्व मानव का लक्ष्य है ना। फिर लिखा है, फिर वही बात को फिर से दोबारा कहा कि चारों आयाम और पांचों स्थिति की एक सूत्रता एवं समन्वयता ही अभ्युदय का प्रत्यक्ष रूप है। तो जो सर्वतोमुखी समाधान यदि आ गया है या तो उसका प्रत्यक्ष रूप क्या है, तो चारों आयाम पांचों स्थिति की एक सूत्रता और समन्वयता जिसकी संभावना एवं अवसर है, ऐसा लिखा। फिर चार आयाम क्या है, पांच स्थिति क्या है, वो सबको डिफाइन किया। फिर कहा आवश्यकता से उत्पादन के रूप में, उत्पादन का लक्ष्य समाज में अभय है ना। फिर इन सब चीजों को स्पष्ट करते हुए फिर ज्ञानावस्था में क्या है, तो उन्होंने कहा ज्ञान पूर्ण जागृत मानव में आप्त कामना श्रेय कर्म, जागृत मानव में शुभेच्छा और श्रेय कर्म, अर्ध जागृत मानव में मंगल कामना और संयत कर्म व उपयोग, और अजागृत में शुभ कामना और अशुभ कर्म और असंयत भोग। इस रूप में प्रवृत्तियां पाई जाती है ना, तो प्रवृत्तियां हैं जिनको अपन कह रहे हैं, और ये वैविध्यताएं ही एक सूत्रता सामंजस्यता पूर्वक सहअस्तित्व को पाने के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं, क्योंकि ये जो वैविध्यता में तृप्ति नहीं है उसमें पीड़ा है, उसमें है ना असंतोष है, अशांति है ना, दुख है, इसीलिए जो है एक सूत्रता सामंजस्यता या सहअस्तित्व पूर्वक जीने की प्रेरणा का स्रोत बन जाती है ना। इसीलिए जो अजागृत मानव है वो भी जागृति के लिए स्रोत है, इस रूप में इसको समझाया। फिर आशा व प्रत्याशा के विपरीत कर्म और भोग प्रवृत्ति ही प्रत्येक स्तर में अंतर विरोध है। आशा व प्रत्याशा में समाधान के रूप में शुभ होना पाया जाता है, इसके अनुरूप कर्म और उपयोग में दक्षता पात्रता का अभाव ही पराभव या असफलता का कारण है। यही जो असफलता है, जो पराभव है, यही पुनः प्रयासोदय है ना। इस रूप में यह क्रम तब तक रहेगा जब तक कि स्वस्थ व्यवस्था और स्वस्थ शिक्षा से मानव संपन्न ना हो जाए। फिर लिखा है कि मानव के द्वारा वाद त्रय को सफल बनाने के लिए स्पष्ट एवं पूर्णतः क्या चीजें आवश्यक हैं, तो कह रहे हैं मानव का परिभाषा, व्याख्या, अनिवार्यता। मानव का परिभाषा, मानवीयता की व्याख्या, सामाजिकता की अनिवार्यता, समाज की परिभाषा, समाज का आधार, समाज का लक्ष्य, समाज का आचरण, सामाजिकता का अध्ययन और समाज की अक्षुण्णता। ये किस लिए जरूरी है, इसी में जो है वाद त्रय को सफल बनाने के लिए और स्पष्ट और पूर्णतया प्राकृतिक और वैयक्तिक ऐश्वर्य के सदुपयोग एवं सुरक्षा का अध्ययन पूर्वक व्यवहारान्वयन आवश्यक है। फिर ये कहा गया कि वर्ग निर्माण पद्धति नीति व्यवहार उपदेश शिक्षा एवं व्यवस्था वर्ग विहीन अखंड समाज को स्थापित करने में असमर्थ है। मतलब अभी जितना भी वर्ग, जितना भी समुदाय चेतना में पद्धति नीति व्यवहार उपदेश शिक्षा और व्यवस्था है, इससे जो है अखंड समाज को स्थापित नहीं किया जा सकता है।
फिर इसके बाद ये कहा गया कि पूर्ण विकसित इकाई के द्वारा अविकसित के पूर्ण विकास के लिए की गई प्रेरणा सही सहायता ही आप कामना है। फिर इसके बाद सहानुभूति की निरंतरता ही शुभेच्छा है। और फिर ये कहा गया कि समाधान समृद्धि के लिए किया गया सहकार ही मंगल कामना है। तो ये जो तीनों स्थितियां ऊपर बताई थी ना कि ये जो पूर्ण जागृत मानव में आप्त कामना, जागृत मानव में शुभेच्छा और अर्ध जागृत मानव में मंगल कामना होती, इन तीनों के अर्थ को यहाँ पर उन्होंने डिफाइन कर दिया है ना। इस रूप में किया है कि जो पूर्ण विकसित है उसमें आप्त कामना है। आप्त कामना का मतलब है पूर्ण विकसित इकाई के द्वारा विकसित के पूर्ण विकास के लिए की गई प्रेरणा सहित सहायता आप्त कामना है। और जागृतिशीलता में विश्वास और निष्ठा रहते हुए अविकसित के विकास के लिए सहानुभूति की निरंतरता स्वेच्छा है। और स्वयं समृद्ध और समाधान पूर्वक कम विकसित के समाधान समृद्धि के लिए किया गया सहकार्य या सहयोग कार्य वही मंगल कामना है। इस रूप में यहाँ पर इसको स्पष्ट किया। फिर कहा कि मानव की परिभाषा एवं मानवीयता की व्याख्या से यह स्पष्ट हो चुका है कि मानवीयता की सीमा में ही सामाजिकता की संभावना स्पष्ट रहती है। फिर ये कहा कि समस्त कार्यक्रम का उद्देश्य अनुभव एवं प्रमाण ही है। फिर आगे जाके कहा कि विवेक व विज्ञान का संतुलनाधिकार सहज प्रमाण ही भौतिक समृद्धि एवं बौद्धिक समाधान है। और फिर कहा कि कर्माभ्यास के बिना उत्पादन एवं समृद्धि और व्यवहाराभ्यास के बिना समाधान नहीं है। फिर कर्माभ्यास कैसे होगा तो उन्होंने कहा वो अन्वेषण शिक्षण और प्रशिक्षण से। व्यवहाराभ्यास कैसे होगा तो अनुसंधान अनुसरण आचरण संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था से। और चिंतनाभ्यास जो है वो यथार्थता वास्तविकता सत्यता को निरीक्षण परीक्षण कर प्रमाणित कर पाना सहज है चिंतनाभ्यास पूर्वक। तो ये तीनों की प्रकार के अभ्यास को स्पष्ट किया। कर्माभ्यास अन्वेषण शिक्षण प्रशिक्षण इसकी चरितार्थता उत्पादन फलतः समृद्धि। व्यवहाराभ्यास जो है वो अनुसंधान अनुसरण आचरण संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था है उसकी चरितार्थता सामाजिकता अखंडता अभयता समाधान संतुलन व स्वर्ग है। और चिंतनाभ्यास क्या है तो मानव का अशेष कार्यक्रम वैचारिक व्यवहारिक एवं उत्पादन वैचारिक पूर्णता अथवा समाधान के लिए ही चिंतनाभ्यास आवश्यक है। फिर लिखा है कि चिंतनाभ्यास पूर्वक ही यथार्थता वास्तविकता सत्यता को निरीक्षण परीक्षण कर प्रमाणित करना सहज है यही समाधान रूपी निष्कर्ष को स्फुरित करता रहता है। फिर लिखा है कि इससे ही सर्व शुभ है जो पांचों स्थितियों में नीतित रहे। फिर लिखा है कि अनुभव कार्यक्रम नहीं है अपितु अनुभव में से के लिए कार्यक्रम है। तो कई लोग ऐसा मान लेते हैं कि मध्य दर्शन का उद्देश्य जो है ना अनुभव है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि अनुभव कार्यक्रम नहीं है अनुभव में से के लिए कार्यक्रम है। तो जो नीति त्रय जो है वो अन्योन्याश्रित है। अर्थ के बिना धर्म नीति एवं राजनीति सदुपयोग और सुरक्षा के बिना अर्थ की चरितार्थता सिद्ध नहीं होती। अर्थ के बिना धर्म नीति एवं राजनीति सदुपयोगता एवं सुरक्षा के बिना अर्थ की चरितार्थता सिद्ध नहीं होती। तो इस रूप में इसमें अभ्योदय को स्पष्ट किया है इस अध्याय में। इसमें एक जगह ये भी लिखा है ये शुरू के जो बिंदु हैं तो शुरू के बिंदु में लिखा है प्रत्येक भ्रमित मानव कर्म करते समय स्वतंत्र फल भोगते समय परतंत्र है। प्रत्येक मानव गलती करने का अधिकार और सही करने का अवसर लेके जानता है। फिर दो बिंदुओं में ये कहा गया प्रत्येक मानव जन्म से न्याय का याचक और न्याय प्रदान करने में असमर्थ रहता है। प्रत्येक मानव बौद्धिक समाधान और बौद्धिक समृद्धि चाहता है। फिर अगले दो बिंदु में है कि प्रत्येक मानव का अकेले में कोई कार्यक्रम नहीं है। प्रत्येक मानव का अकेले में कोई कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है। प्रत्येक मानव प्रकृति का अभिन्न अंग है।
तो प्रत्येक मानव सुख शांति संतोष आनंद और अनुभूति चाहता है। प्रत्येक मानव का लक्ष्य विहीन कार्यक्रम नहीं है। प्रत्येक मानव सतर्कता और सजगता से परिपूर्ण होना चाहता है। तो कई बार लोग ऐसा सोच लेते हैं कि अनुभव हो गया है यानी एक आदमी के लिए पूरा हो गया है, ऐसा नहीं। यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रत्येक मानव का अकेले में कोई कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है ना, क्योंकि अस्तित्व सह अस्तित्व है, तो इसलिए कोई भी जो क्रिया है ना वो अकेली क्रिया नहीं है, सह अस्तित्व में क्रिया है। और उस क्रिया के अंदर जो भी क्रियाकलाप चल रहा है उसमें जो असंख्य इकाइयों का जो प्रतिबिंबन है, उस प्रतिबिंबन के कारण से ही उसमें क्रियाकलाप चल रहा है। जैसे मानव के अंदर जो भी आशा विचार इच्छा के रूप में जो भी क्रियाकलाप चल रहा है, वो पूरी मानव परंपरा और जो भी भौतिक रासायनिक संसार है उसके योग संयोग में या उसके सह अस्तित्व में ही उसके अंदर का क्रियाकलाप है। उसी क्रियाकलाप में एक क्रियाकलाप जो है जिसको हम मैं का क्रिया कहते हैं ना, जो भ्रमित मानव में अहंकार के रूप में रहती है और जागृत मानव में आत्मा के रूप में रहता है। लेकिन आत्मा भी सह अस्तित्व में अभिभूतता के रूप में, अभिभाज्यता के रूप में आत्मा का क्रिया पहचानने में आता है। तो इसलिए कोई भी क्रिया जो है केवल क्रिया नहीं है, हर क्रिया जो है वो सह अस्तित्व में क्रिया है। इसलिए कोई भी कार्यक्रम अकेले में कोई कार्यक्रम नहीं है, सभी कार्यक्रम जो है सह अस्तित्व में कार्यक्रम है। इस रूप में अभ्योदय की अनिवार्यता जो है वो स्पष्ट होती है। ठीक है, इस पे कोई मुद्दा विचार करने के लिए? योगेश भाई, नहीं भैया, ठीक है भैया। तो रिवीजन ठीक चल रहा है ना? बढ़िया चल रहा है। संदीप भाई, सुशील जी, भास्कर भाई, ठीक चल रहा है? ठीक है भैया, ठीक बढ़िया है। क्रमबद्ध बाबा जी ने जो अभ्यास दर्शन में, मैं आज पढ़ रहा था 1 से 20 का चैप्टर, तो वो अभ्यास की अनिवार्यता से लेकर सामाजिकता और सार्वभौमिकता तक जो चैप्टर है वो बढ़िया आप समझा रहे हैं जी, क्रमबद्ध तरीके। तो मैंने वो लाइन इसलिए पढ़ी थी कि जिसमें ये आया था ना कि प्रत्येक मानव का अकेले में कोई कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, ये लाइन इसमें लिखी है, जो पहला पैराग्राफ है उसी में थी, अध्याय 3 में है ना। और पहले भी हमने एक इसको पढ़ा था, अकेले में कोई कार्यक्रम नहीं है। फिर ये भी एक जगह आया कि अनुभव जो है कार्यक्रम नहीं है, अनुभव में से के लिए कार्यक्रम है ना, अनुभव में, अनुभव से अनुभव के लिए कार्यक्रम, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था है ना। क्योंकि अस्तित्व से अस्तित्व है, तो ये लिखा ना अनुभव कार्यक्रम नहीं है, अपितु अनुभव में से के लिए कार्यक्रम। तो यदि ये हमको समझ में आ गया कि अनुभव में से के लिए कार्यक्रम है और एक व्यक्ति में कोई कार्यक्रम सिद्ध नहीं होता है ना, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का भी होना जो है ना वो सह अस्तित्व में ही होता है, क्योंकि संबंध विहीन मानव नहीं है, है ना, मानव संबंध पूर्वक ही है, जन्म से लेके मृत्यु तक संबंध में ही रहता है। और इसीलिए अगला जो अध्याय है ना जिसको सामाजिकता की अनिवार्यता या अखंड समाज गति सहज जो है सामाजिकता की अनिवार्यता, क्योंकि जो मानव में संपूर्ण क्रियाकलाप है वो सामाजिकता के रूप में ही है। भ्रमवश आदमी जो है अपने को सामाजिकता से अलग उठ के व्यक्तिगत कार्यक्रम के रूप में मान लेता है, ये जो है मानव में भ्रम है, और इसी भ्रम के कारण से वो समस्याग्रस्त होता है, इसी कारण से उसमें व्यक्तिवाद समुदायवाद आता है, और इसी कारण से परिवार जो है वो भ्रमित परिवार के रूप में होता है। इसीलिए सामाजिकता की अनिवार्यता है। और सामाजिकता की अनिवार्यता के मूल में क्या बात है, तो
भ्रम और भय से मुक्ति, बौद्धिक समाधान, भौतिक समृद्धि, है ना, अभयता, समाधान और समृद्धि, यही मूल कार्यक्रम है। फिर लिखा है कि व्यवसाय आयाम में उत्पादन में अर्थ की सुरक्षा एवं सदुपयोग है। तो जब यहाँ पर व्यवसाय आयाम में उत्पादन में अर्थ की सुरक्षा और सदुपयोग की बात हो रही है, तो ये किसी व्यक्ति और परिवार की सीमा में संभव नहीं है, सामाजिकता की सीमा में ही हो सकता है ना, तो इसलिए सामाजिकता की अनिवार्यता है। इसी तरीके से व्यवहार आयाम में न्याय एवं सह अस्तित्व, तो न्याय का मतलब है संबंध में मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति, जो भी कम से कम दो लोगों के बीच में ही न्याय का पहचान होता है ना, स्वयं में अकेले में कोई न्याय का पहचान नहीं होता, और न्याय पूर्वक ही सह अस्तित्व जो है वो उसको प्राप्त करते हैं। सह अस्तित्व का मतलब है व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र की एक सूत्रता में जीना, है ना, या संगीतमयता में या तारतम्यता में, है ना, उसमें जीना, न्याय पूर्वक जीना, उसी को सह अस्तित्व कह रहे हैं। फिर विचार आयाम में समाधान एवं दर्शन क्षमता का, तो जो दर्शन क्षमता है वो भी स्थिति गति के सह अस्तित्व में ही है, है ना, तो क्योंकि मानव ने पूर्व में जो विचार आयाम में जो अपनी शक्ति को नियोजित किया, तो उसमें या तो स्थिति को समझने में चला गया या फिर गति में समझने में चला गया, जिसको अपन आदर्शवाद, भौतिकवाद कह रहे हैं, उसमें समाधान हुआ नहीं। जैसे ही संपूर्ण क्रियाओं को सह अस्तित्व में देखा तो उसमें समाधान स्पष्ट हो गया, क्या क्यों कैसे के उत्तर आ गए और दिशा और लक्ष्य जो है उसका पहचान हो गया, इसी को विचार आयाम में समाधान कह रहे हैं। अनुभव आयाम में परमानंद एवं सह अस्तित्व का उद्गाता है। तो मानव में ही ये चारों आयाम होते हैं, व्यवसाय आयाम, है ना, मानव में का मतलब एक व्यक्ति में नहीं कह रहे हैं, जिसको अपन अखंड समाज कह रहे हैं, है ना, जिसको अपन समाज कह रहे हैं, जिसको अपन समाज कह रहे हैं, अखंड समाज कह रहे हैं, या जिसको सामाजिकता कह रहे हैं, है ना, तो सामाजिकता जो है वो व्यवसाय आयाम, व्यवहार आयाम, विचार आयाम और अनुभव आयाम की एक सूत्रता ही है, जिसको अपन सामाजिकता कह रहे हैं। और सामाजिकता की अनिवार्यता, क्योंकि सामाजिकता के बिना मानव जो है वो भ्रम और भय से मुक्त नहीं हो सकता है, समाधान, बौद्धिक समाधान को प्राप्त नहीं कर सकता, भौतिक समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता, है ना, तो इसीलिए जो है अनिवार्यता के रूप में ये चैप्टर दिया है। फिर आगे लिखा है कि मानवीयता पूर्वक मानव पांचों स्थिति में आचरण संहिता को स्पष्ट करता है, जिसकी प्रत्यक्ष रूप अखंड सामाजिकता है। तो मानवीयता पूर्वक मानव पांचों स्थिति में आचार संहिता को, आचरण संहिता को स्पष्ट करता है, जिसका प्रत्यक्ष रूप अखंड सामाजिकता है। फलता है न्याय का अनुभव है जो सुख है, यही लोग व्यापीकरण पूर्वक अभय है, जिसकी चिराकांक्षा मानव है। फिर इसके बाद लिखा है समाज का आधार क्या है, उनका के मानव सहज मानवीयतापूर्ण आचरण, प्रमाण त्रय और स्थापित संबंधों में निहित स्थापित मूल और नीति त्रय, ये समाज का जो है आधार है। फिर आगे लिखा है मानवीयता पूर्वक सामाजिकता प्रमाणित होती है, अमानवीयता में सामाजिकता नहीं है, अति मानवीयता मानवीयता के समर्पित रहती, अति मानवीयता में मानवीयता समर्पित रहती। थोड़ा पानी मिल जाए, फिर इसके बाद एक बार फिर से बाबा जी ने यहाँ याद दिलाया कि पांच स्थितियों में गण, मानव पांच स्थितियों में गण है, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र के रूप में है। समाज का जो मूल रूप प्रत्येक मानव में समाया रहता है, जो विचार, आशा, आकांक्षा, मंगल कामना के रूप में है। फिर ये लिखा है कि स्थितिवत्ता ही मूल्य दर्शन क्रिया ही मूल्य दर्शन, स्थितिवत्ता की मूल्य दर्शन क्रिया ही अध्ययन है। तो बेसिकली जो अध्ययन है वो स्थितिवत्ता का होता है ना, जिसको अपन अध्ययन कह रहे हैं। यथार्थ मूल्य दर्शन क्षमता जो है ज्ञानानुभव ही है। फिर मूल्य दर्शन क्षमता की प्रमाणवत्ता को प्रकट करती है, और प्रमाण केवल प्रयोग, व्यवहार और अनुभव ही है।
यहाँ फिर एक बार उन्होंने स्मरण दिलाया कि संबंध विहीन जन्म और मूल्य विहीन संबंध नहीं है, तो संपूर्ण मानव के साथ स्थापित संबंध समान है, उसमें स्थापित मूल्य भी समान है और यही संबंध एवं मूल्य का ध्रुव है, इसका निर्वाह ही न्याय है, इसका निर्वाह ही न्याय है, यही न्याय का ध्रुव है, न्याय ध्रुव है, मानव में न्याय की याचना कामना सम्मति जन्म से ही रहती है, यही शाश्वत मूल्य समाज मूल्य का आधार है, इसी आधार पर नीति त्रय सुदृढ़ होता है। फिर ये कहा कि धर्म सफलता ही जीवन की सफलता है, धर्माकांक्षा विहीन मानव नहीं है, तो धर्म नीति सदुपयोग प्रधान है, राजनीति सुरक्षा प्रधान है, व्यवहार एवं आचरण प्रक्रिया है, नीति त्रय भी समाज के मूल में समाहित रहता है। फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आई है, प्रत्यक्ष अनुमान आगम क्रियाएं मानव के द्वारा चरितार्थ दी है ना, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, आगम का मतलब है जिसको हम लोग दस सोपानी व्यवस्था कह रहे हैं वो आगम क्रियाएं है ना, अनुमान का मतलब है जिसमें हम जो प्रत्यक्ष है जो सह अस्तित्व है उसमें स्थितिवत्ता का जो अनुमान लगाते हैं वो अनुमान क्रियाएं हैं। तो इस रूप में प्रत्यक्ष अनुमान आगम क्रियाएं मानव के द्वारा ही चरितार्थ होती है, ऐसा लिखा। फिर लिखा है कि विचार विहीन मानव नहीं है, विचार विहीन मानव है और विचार के अभाव में प्रमाण सिद्ध नहीं, तो जो मानव का मूल रूप जो है वो विचार ही है, तो समाज का लक्ष्य क्या है, तो अभयता है, भौतिक समृद्धि है और बौद्धिक समाधान है, जिसका प्रत्यक्ष रूप क्या है, तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, जिसका मतलब है वर्ग सीमाओं से मुक्त और भ्रम और भय से मुक्त है ना, जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का अर्थ है। फिर ये कैसे उपलब्ध हो सकता है उसकी बात आई है। फिर इस अध्याय की लास्ट में फिर से ये स्मरण दिलाया कि मानव में चारों आयाम पांचों स्थिति की एक सूत्रता ही अभयता समाधान एवं समृद्धि है, तो जो अभयता समाधान और समृद्धि जो है वो अखंड समाज की एक सूत्रता से उपलब्धि है मानव जाति के लिए है ना, तो इस रूप में सामाजिकता अनिवार्यता है, ठीक है। इसमें कोई मुद्दा कुछ चर्चा का नहीं, तो अगला एक ही अध्याय और हो पाएगा, पांच अध्यायों का रिवीजन हो पाएगा, उपाय है, थोड़ा सा स्थिति धीमी है। नहीं भैया धीमी नहीं है, हाँ बढ़िया है ना, मतलब बढ़िया है, यहाँ धीमी मतलब आपका आपका कहना है कि आपका जो पढ़ना है वो धीमे हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं ठीक हो रहा है भैया, लेकिन ये जो गति से जा रहे हैं ना तो तभी उसका कोई मतलब है, वरना क्या है कि है ना तेज गति से पढ़ने से फिर पढ़ना ही होता है, उसमें समझना उतना हो नहीं पाता, रिवीजन जैसा नहीं होता, तो ये बढ़िया जा रहा है भैया। ठीक है, तो अगले पे चले जाएं? हाँ भैया। तो अभी सामाजिकता की अनिवार्यता था, फिर कहा सामाजिकता का अध्ययन, तो फिर लिखा है कि मानव सामाजिकता के अध्ययन के लिए उत्साही है, फिर इसमें एक बार फिर से स्मरण दिलाया है यहाँ पे, मानव अकेले में से के लिए नहीं है, तो हम लोग कई बार मानव को अकेली क्रिया के रूप में मान लेते हैं, जिसको मैं बार बार व्यक्ति बोल रहा हूँ है ना, व्यक्तिवाद बोल रहा हूँ, तो बाबा जी कह रहे हैं कि मानव अकेले में से के लिए नहीं है, समाज का केंद्र जो है वो मानव है, वो मानव जीवन चारों आयाम की एक सूत्रता है जो स्थितिवत्ता है, यानी चारों आयाम की एक सूत्रता के रूप में ही स्थितिवत्ता है और स्थितिवत्ता ही मानवीयता है, जिसको अपन मानवीयता कह रहे हैं। फिर लिखा है कि अध्ययन स्थितिवत्ता का ही है, स्थितिवत्ता ही सत्यता है, जिसको अपन। फिर इसके बाद और आगे चलते हैं तो स्थितिशील प्रकृति स्थितिपूर्ण सत्ता ही प्रत्यक्ष है, में ही विविधता है जो प्रकृति की सीमा में है। फिर इसके बाद आया कि संपूर्ण अध्ययन सत्ता में संपर्क प्रकृति सहज है,
स्थितिवत्ता का दर्शन है। तो जिसको अपन संपूर्ण अध्ययन कह रहे हैं वो दर्शन के रूप में स्थितिवत्ता का दर्शन है। दर्शन ही जो सह अस्तित्व दर्शन, जीवन ज्ञान, मानवीतापूर्ण आचरण ज्ञान, यानी दर्शन ही ज्ञान है। वो ज्ञान क्या है? तो अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीतापूर्ण आचरण ज्ञान है। ज्ञान ही अनुभव है, अनुभव ही सत्य है, और सत्य ही अपरिणामी है। अनुभव पूर्वक प्रयोग एवं व्यवहार, अनुभव पूर्वक प्रयोग और व्यवहार पूर्ण सिद्ध प्रमाणीय अनुभव ही है। दर्शन विहीन प्रयोग व उत्पादन व्यवसाय सिद्ध नहीं है। तो इसमें मूल बात यही है कि संपूर्ण अध्ययन जो है स्थितिवत्ता का दर्शन है। दर्शन ही ज्ञान है, ज्ञान ही अनुभव है, अनुभव ही सत्य है, और सत्य ही अपरिणामी है। अनुभव पूर्वक प्रयोग एवं व्यवहार, जिसको हम लोग व्यवहार आयाम और व्यवसाय आयाम कह रहे हैं, है ना, पूर्ण सिद्ध प्रमाण भी अनुभव ही है। यानी इन प्रयोग और व्यवहार का जो पूर्ण सिद्ध प्रमाण है वो भी अनुभव ही है, ऐसा कह रहे। तो दर्शन विहीन प्रयोग और व्यवसाय सिद्ध नहीं। फिर इसके बाद इसमें एक बात आई है लास्ट में, न्यायपूर्ण व्यवहार व शिक्षा मानवीयतापूर्ण समाज के लिए आवश्यक कार्यक्रम है। गुणात्मक स्थितिवत्ता की उपेक्षा ही अज्ञान, अभाव, असमर्थता और अक्षमता है। तो इसलिए ज्ञानी अज्ञानी को ज्ञानी, भाव अभाव को भाव में, असमर्थ को समर्थ में, और अक्षम को सक्षम में परिवर्तित परिमार्जित करने के लिए शिक्षा व्यवस्था है। तो अध्ययन यहाँ अध्ययन की यानी सामाजिकता के अध्ययन को स्पष्ट किया, सामाजिकता का अध्ययन क्या है उसको स्पष्ट किया, उसके लिए शिक्षा व्यवस्था जो है उसकी बात की उन्होंने, परिवर्तित परिमार्जन के लिए, परिवर्तन और परिमार्जन के लिए शिक्षा व्यवस्था है। फिर अगले अध्याय में आया कि सामाजिकता का आचरण क्या है, तो फिर से वही बात आई कि सामाजिकता का जो अध्ययन और अभ्यास अनिवार्य साधना है। मानव पांच स्थितियों में गण है, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में। इन पांचों स्थितियों का आचरण परस्पर पूरक है, यह 10 सोपानी व्यवस्था में स्पष्ट होता है ना। तो इसलिए जो सामाजिकता का जिसको आचरण कह रहे हैं वो पांचों स्थितियों के आचरण की परस्पर पूरकता है, जो 10 सोपानी व्यवस्था में स्पष्ट होती है। फिर लिखा है कि आचरण विहीन इकाई नहीं है, है ना, अस्तु मानवीयतापूर्ण आचरण व्यक्ति में, सहयोग सहकार योग क्षमता परिवार में, प्रोत्साहन प्रचार प्रदर्शन प्रकाशन जो है वो समाज में, और उसका संरक्षण संवर्धन योग विधि व्यवस्था राष्ट्र में, उसके अनुकूल परिस्थिति अंतरराष्ट्र में प्राप्त कर लेना ही पांचों स्थितियों की एक सूत्रता है। तो पांचों स्थितियों की एक सूत्रता पहले भी पिछले अध्याय में भी था, पिछले अध्यायों में भी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने फिर से उसको स्पष्ट किया, व्यक्ति में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र में, है ना, इन पांचों स्थितियों की एक सूत्रता को ही कह रहे हैं कि वो सामाजिक आचरण है। फिर आगे लिखा है इसी अध्याय में कि संबंध का पहचान मूल्यों का निर्वाह ही परिवार, समाज एवं व्यवस्था है। तो जिसको हम परिवार कह रहे हैं उसमें भी संबंध का पहचान और मूल्यों का निर्वाह है, जिसको समाज कह रहे हैं उसमें भी संबंध का निर्वाह, मूल्यों का संबंध का पहचान और मूल्यों का निर्वाह, जिसको व्यवस्था कह रहे हैं उसमें भी संबंध का पहचान और मूल्यों का निर्वाह है ना। तो इसीलिए संबंध का पहचान मूल्यों का निर्वाह ही परिवार, समाज और व्यवस्था है। फिर आगे लिखा है कि जन्म, जीवन, व्यवहार, शिष्ट विशिष्ट नीति, उत्पादन, विनिमय, वैभव से संबंध प्रसिद्ध है। फिर संबंध को पांच प्रकार के संबंध बताए हैं, जन्म संबंध, जीवन, जीवन संबंध, शिष्ट संबंध, नीति संबंध, उत्पादन उत्पादन संबंध आदि के रूप में। फिर आगे एक बार फिर से बाबा जी ने कहा कि मूल्यों की स्थिरता ही अखंडता एवं अक्षुण्णता है, जो नीति क्रम में पाए जाने वाले तत्व हैं। समाज की पांचों स्थितियां परस्पर पूरक हैं, जिसकी एक सूत्रता ही अखंडता है।
तो अंतर्राष्ट्रीय जीवन में नीति त्रय का संतुलन है, राष्ट्रीय जीवन में मानवीयता के संरक्षण संवर्धन योग विधि व्यवस्था शिक्षा प्रणाली है, सामाजिक जीवन में मानवीयता का प्रचार प्रदर्शन प्रकाशन प्रोत्साहन है, पारिवारिक जीवन में मानवीयता के प्रति समर्पण विश्वास एवं निष्ठा है, और व्यक्ति में व्यक्ति के जीवन में मानवीयतापूर्ण आचरण व्यवहार अभ्यास अनुभव विचार व्यवहार उत्पादन एवं आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में मंगल कार्यक्रम है। यही चारों आयाम और पांचों स्थितियों की एक सूत्रता है। फिर इसके बाद ये कहा कि प्रत्येक मानव में सीमित शक्ति निश्चित कर्तव्य दायित्व एवं स्थापित संबंध पाए जाते हैं जिसकी एक सूत्रता नियम त्रय एवं मानवीयतापूर्ण पद्धति से प्रमाणित होती, यही गुणात्मक परिवर्तन का औचित्य और मानव की आचार संहिता है। मानव की जो मूल शक्ति है वो निपुणता कुशलता पांडित्य है। फिर लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति परिवार और वर्ग स्वत्व स्वतंत्रता चाहता है ना, वो कह रहे हैं कि जो वर्ग है वो भी चाहता है, परिवार भी चाहता है, भ्रमित व्यक्ति भी चाहता है। फिर स्वाधीनता सहित ही स्वत्व है, इस स्वत्व को डिफाइन किया, स्वत्व केवल निपुणता कुशलता पांडित्य ही है। फिर आगे कहा कि मानव जीवन असंग्रह स्नेह विद्या सरलता अभय अभ्यात्मक मूल प्रवृत्तियों पर ही हर्ष का अनुभव करता है। जो पहले भी मूल ये कौन सा अध्याय है, अपन कौन से अध्याय में आगे, छठवें में ना, छठवां अध्याय है ये, हैं छठवां है, है? हाँ छठवें अध्याय में मेरे ख्याल से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां अध्याय है, छठवां पैरा। पुरानी किताब में पेज नंबर 31 है, 31। नई किताब में देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है भैया, मिल गया ना? पैराग्राफ ना छठा अध्याय में। हाँ हाँ छठे में, छठे अध्याय में ये कहा गया। तो वो जो उसी में से मैंने पढ़ा है, उसी पैराग्राफ से दो सेंटेंस को ही लिया है। तो पहला लिया है स्वत्व केवल निपुणता कुशलता पांडित्य है, फिर दूसरा मैंने इसमें बिंदु जो लिया है अपने रिवीजन में, मानव जीवन असंग्रह स्नेह विद्या सरलता एवं अभयात्मक मूल प्रवृत्तियों पर ही हर्ष का अनुभव करता है। जो हर्ष का अनुभव है उसको इन वैचारिक मूल प्रवृत्तियों पूर्वक ही होता है, और जो क्लेश है इसके विपरीत जो है वो क्लेश है। फिर लिखा है कि विद्या का प्रत्यक्ष रूप निपुणता कुशलता पांडित है, असंग्रह का प्रत्यक्ष रूप आवश्यकता से अधिक उत्पादन है, सरलता का प्रत्यक्ष रूप सामाजिकता है, स्नेह का प्रत्यक्ष रूप सौजन्यता है, और अभय का प्रत्यक्ष रूप जो है सहअस्तित्व है। फिर ये लिखा है आगे कि असंग्रह और सभ्यता के योग से धीरता है, विद्या और अभय के योग से वीरता है, एवं स्नेह और सरलता के योग से उदारता है। उपरोक्त तथ्य ही मानव को स्पष्ट एवं सिद्ध करता है कि मानव की क्षमता योग्यता पात्रता ही उसका स्वत्व है, जो निपुणता कुशलता पांडित्य ही है। इस रूप में यहाँ पर बात आई। फिर इसके बाद इस अध्याय में और ध्यान देने की बात है, वहन पूर्वक स्थापित मूल्यों का निर्वाह होता है, शिष्टता पूर्वक शिष्ट मूल्यों का आचरण और व्यवहार आचरण सहित भौतिक मूल्यों का समर्पण अर्पण उपयोगी सिद्ध हुआ है, यही स्वतंत्रता का मूल रूप है। फिर लिखा है कि स्वत्व निर्वाह से, स्वतंत्रता प्रयोजन से, और अधिकार जो है उपलब्धि से प्रमाणित है। फिर लिखा है कि मानव का अधिकार भौतिकता में, अधिकार एवं स्वतंत्रता बौद्धिकता में, अधिकार स्वतंत्रता और स्वत्व आध्यात्म में चरितार्थ होता है, और इन्हीं तीनों का जो इन्हीं तीनों को ही कह रहे हैं कि यह व्यवहारात्मक जनवाद, समाधानात्मक भौतिकवाद, अनुभवात्मक आध्यात्मवाद है, जो धर्म नीति और राजनीति को स्पष्ट करता है। फिर मानव मानव के साथ व्यवहार है, मानवीयता प्रकृति के साथ उत्पादन है, अधिक विकसित के साथ गौरव और कृतज्ञता है, सत्ता में अनुभव के लिए प्रवृत्त है।
इस रूप में है। फिर लिखा है जागृत मानव का व्यवहार ही व्यवस्था संस्कृति सभ्यता विधि को प्रकट करता है, अतः व्यवहार के बिना मानव जीवन का कार्यक्रम सिद्ध नहीं है। फिर लिखा है कि संस्कृति सभ्यता विधि एवं व्यवस्था का आधार मानवीयता है, क्योंकि मानवीयता से ही सामाजिकता सिद्ध होती। फिर लिखा है कि स्थापित मूल्यों में से के लिए स्वस्थ व्यवस्था है, क्योंकि स्थापित मूल अनिवार्यता सर्वथा सबके लिए समान है, इसलिए स्थापित मूल्य ही विधि है। यहाँ इतनी बात जो है मूल रूप से यहाँ पे रिवीजन में मैंने आपके सामने रखी अध्याय 6 में, ठीक है। इसमें कोई बात है, कोई मुद्दा है, नहीं तो अध्याय 7 और करके अपन इसको क्लोज कर सकते हैं। 2 पेज का है, 10-12 लाइनों पे विशेष रूप से इसमें। तो 7वां अध्याय है, स्थापित मूल्यों की अनिवार्यता सर्वथा सबके लिए समान है। फिर स्थापित मूल्यों के संबंध में निहित स्थापित संबंधों में निहित स्थापित मूल्यों का परिवर्तन किसी देश काल स्थिति में नहीं है, यही स्थायित्व का लक्षण एवं अनिवार्यता का मूल कारण है। स्थापित मूल्य जो है वो 9 है, हम सबको पता ही है ना। उसमें भी लिखा है कि 9 सामाजिक मूल्य मानवीयता सहित आचरण के आधार हैं। उनमें भी विश्वास साम्य मूल्य है और प्रेम पूर्ण मूल्य है। व्यवहार निर्वाह में उक्त स्थापित मूल्यों के साथ आचरण प्रक्रिया रहती है, उसी को अपन शिष्ट मूल्य कह रहे हैं। यही शिष्टता है जो स्थापित मूल्यों में समर्पित रहती है, जो प्रसिद्ध है। फिर लिखा है कि जो शिष्टता पूर्वक स्थापित मूल्य निर्वाह के बिना मानव में अखंडता एवं अक्षुण्णता संभव नहीं है। सामाजिकता स्थापित मूल्यों के साथ व्यवहार सुगमता के रूप में है, जो बौद्धिक समाधान है। सामाजिक स्थापित मूल्य शिष्टता के साथ व्यवहारिक सुगमता के रूप में है, जो बौद्धिक समाधान। फिर है प्रत्येक मानव जन्म से ही न्याय का याचक है, यही नीति त्रय की समन्वयता की एक सूत्रता का कारण है। साथ ही जनवादी चिंतन निरीक्षण व स्पष्टीकरण का आधार भी है। व्यवहार का आधार न्याय ही है। मानव की परस्परता में आश्वस्त और विश्वस्त होने का आधार भी न्याय है। आश्वस्त का मतलब है जिसको अपन समृद्धि कह रहे हैं, और विश्वस्त होने का मतलब है जिसको समाधान कह रहे हैं, न्यायपूर्ण व्यवहार के रूप में। अखंड समाज परंपरा में स्थापित मूल्यों का निर्वाह ही शिष्टता की अभिव्यक्ति तथा अर्थ है, अर्थ का सदुपयोग है। वैयक्तिक पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जीवन में एक सूत्रता ही न्याय है, यही सार्वभौम कामना है। इसी को फिर से यहाँ पर रिपीट किया है कि व्यक्ति के आचरण एवं व्यवहार में, परिवार में सहयोग सहकार में, समाज में प्रोत्साहन एवं प्रेरणा में, राष्ट्र में संरक्षण संवर्धन में, अंतर्राष्ट्र में अनुकूल परिस्थिति एवं एक सूत्रता में चरितार्थ होता है। यही सर्वमानव की कामना, मांगल्य, शुभ संगीत, वांछनीय अनिवार्यता, ऐतिहासिक उपलब्धि, नियति क्रम, स्थिति, अखंडता, अभयता, सतर्कता एवं स्वर्ग है। अखंड समाज परंपरा में स्थापित मूल्यों के निर्वाह में ही शिष्टताएं समर्पित हैं। अर्थ का सदुपयोग मानवीयता में चरितार्थ होता है, जो जागृति में पाई जाने वाली सुखद स्थिति है, क्योंकि देव पद चक्र में सामाजिकता एवं भ्रांति पद चक्र में यह नहीं है। फिर लास्ट में इसमें कहा कि यही क्या चीज, तो शिष्टता में विविधता की संभावना देश काल वश है, अर्थ के सदुपयोग तथा स्थापित मूल्यों में विकल्प नहीं है, यही अखंडता एवं अक्षुण्णता का मूल तत्व है। इससे ही अनुप्राणित जीवन नित्य कार्यक्रम उत्सव समृद्धि समाधान उत्साह सफलता स्थिरता शांति संतोष सुख का अनुभव करता है, यही कामना मानव में अनंत काल से है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने 7 अध्याय तक इसका रिवीजन कर लिया। इसमें कोई बात अपन को डिस्कस करना है तो ठीक है,
बाकी आगे के कल कर पाएंगे, है ना, आगे के अध्यायों को रिवाइज कर। ठीक है, ये उपयोगी तो रहा है ऐसा लगता है। पाठक साहब, हाँ जी, एक तो एक आप शब्द यूज कर रहे हैं संगीत मेहता। संगीत मेहता, हाँ, हाँ जी बोलिए। तो ये संगीत मेहता जब हम समग्रता के रूप में चीजों को देखते हैं सहित के रूप में, तो इसमें आप इस शब्द को संगीत मेहता को भी यूज करते हैं, तो इससे क्या व्यक्त करने का उद्देश्य है? मतलब अंतर द्वंद विहीन स्थिति जो है इसको संगीत मेहता कहते हैं क्या? हाँ, यदि विचार में अंतर द्वंद नहीं है ना, तो विचार में हारमोनी है, हारमोनी संगीत मेहता। ओके ओके। यदि व्यवहार में अंतर द्वंद नहीं है तो व्यवहार में संगीत मेहता है, यानी हारमोनी है। संगीत तो हारमोनी से होता है। हाँ, हारमोनी शब्द जो है वो संगीत का ही शब्द है। दूसरा एक प्रश्न और है मेरा कि ये जो हम अध्ययन करते हैं ना, हाँ जी, इसका उद्देश्य क्या है? एक तो मेरे समझ में ये आता है कि अध्ययन करने से जो परिभाषिक शब्दावली है वो समझ में आ जाती है और कुछ मिनी है जो शायद अध्ययन करने पे स्वाध्याय करने पर नहीं आएगा, वो आप हमारी मदद कर देते हैं। हाँ जी, तो भ्रम और भय से मुक्ति है मूल रूप से तो अध्ययन करने का उद्देश्य है। ठीक है, तो हम लोग अभी मानव परंपरा में जहाँ भ्रमित हैं उससे निकलना है, उसके लिए अध्ययन जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, है ना, और जो भय है अध्ययन पूर्वक ही भय से मुक्ति होती है। बिल्कुल ठीक है, जो भी भय के कारण है ना, भय का कारण अज्ञान है, अक्षमता है, रोग है ना, वो अध्ययन पूर्वक ही सबसे मुक्ति है। बाबा जी का जो मध्य दर्शन है ये तो एक नई चीज है, तो इसको समझने के लिए तो अध्ययन तो करना पड़ेगा, लेकिन प्रोसेस काफी लंबी नहीं है ये? नहीं, फसावट भी तो लंबी है ना। फसावट हम लोगों की 5-7 हजार साल की है ना, जब से मानव जाति अस्तित्व में आई है तब से फंसे हुए, और फसावट क्रमशः बढ़ती जा रही है, और इससे निकलना कोई व्यक्तिवादी तरीके से होगा नहीं। मतलब तो हम लोग ऐसा सोचेंगे कोई साधना वादना करके इससे हम मुक्ति को पा लेंगे, तो ऐसा कुछ प्रमाण के रूप में दिखता नहीं। मुक्ति को पालेंगे का क्या मतलब है? मतलब मर जाएंगे, मरने के बाद जीवन रूप में जो है जो भी भ्रम है अज्ञान है उसके साथ ही रहेंगे, है ना। मुक्ति अगर अपन ये माने कि मरना ही मुक्ति है, तो मरने के बाद जीवन क्योंकि अमर है तो जो भी भ्रम भय है जीवन में वो बना रहेगा, तो इसलिए या तो भ्रम भय से मुक्ति, भ्रम भय से मुक्ति के रूप के लिए ही अध्ययन है। वो ठीक है सर, अध्ययन की तो बात मैं पूरी तरह एक्सेप्ट करता हूँ कि सारी चीज अध्ययन से ही समाधान होगा, लेकिन मध्य दर्शन को समझने के लिए प्रोसेस थोड़ी, इसका कोई हमारे पास ब्लूप्रिंट है ये हम कैसे इसको प्रोपोगेट कर पाएंगे? देखिए, मध्य दर्शन को समझने के लिए जो अध्ययन विधि है वो एक निश्चित प्रोसेस है, है ना। बाकी जो साधना विधियां हैं जो हम लोग परंपरा में मिली उसमें कोई निश्चित प्रोसेस नहीं, तो ठीक है, और इसीलिए उसमें हमको प्रतीक्षा करना पड़ती है। वो मैंने एक कोई ऐसा आख्यान पढ़ा था कि किसी ऋषि से किसी ने पूछा होगा कि हमको भगवान का दर्शन कब हो सकता है, तो उन्होंने कहा इस पेड़ के नीचे जहाँ बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं इसमें जितने पत्ते हैं इतने जन्मों के बावजूद भी भगवान का दर्शन जो है हो जाए ऐसा भी कहा नहीं जा सकता है ना, क्योंकि वो क्योंकि कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है ना, कोई प्रोसेस ही नहीं है। यहाँ एक निश्चित प्रोसेस है, है ना। यहाँ निश्चित प्रोसेस क्यों है? क्योंकि रहस्य नहीं है। हम जो अध्ययन कर रहे हैं अध्ययन करने की वस्तु हमारे पास स्पष्ट है, है ना, वो जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति ही है जो सत्ता में संपर्क है, तो इसलिए सत्ता में संपर्क जड़ चैतन्य प्रकृति जो है अध्ययन की वस्तु है जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है,
उसके उसका अध्ययन पूर्वक ही हम भय और भ्रम से मुक्त हो। ठीक कह रहे हैं। एक थोड़ा अप्रासंगिक प्रश्न है, पूछिए। बाबा जी का नाम है ए नागराज। हाँ जी, हाँ बोलिए ना, आगे बोलिए। कुछ लोग इनके आगे शर्मा भी लगा रहे हैं। हाँ, वो तो जातिवादी जैसी बात हो गई भाई। उनका परिवार तो जैसा, जो परिवार के लोग हैं उनको ए नागराज शर्मा ही बोलते थे, क्योंकि वो शर्मा परिवार से थे। नहीं तो, लेकिन ए का मतलब है उनका गांव का नाम है, अग्रहार गांव है, उसको ए बोलते हैं ना। ए जो लगाया है वो अग्रहार से लगा। हिंदी में लिखते हैं अग्रहार नागराज, अग्रहार नागराज शर्मा। लेकिन उन्होंने तो अपनी किसी भी किताब में अपने नाम के आगे शर्मा नहीं लिखा है। हाँ, लेकिन उनके उनमें जागृति आ गई, इसलिए उन्होंने ड्राप कर दिया शर्मा। तो अच्छा किया ना। लेकिन उनके परिवार में नहीं हुआ, उनके परिवार में नहीं हुआ है ना। जैसे उन्होंने अपने को ब्राह्मण नहीं कहा, कहीं भी वांग्मय में नहीं लिखा, लेकिन भाई वो ब्राह्मण परिवार में थे, इसलिए लोग उनको ब्राह्मण बोलते थे, ब्राह्मण के रूप में उनको सम्मान देते। वो परंपरा की स्वीकृति है ना, उनकी अपनी स्वीकृति नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो मध्य दर्शन की फिलॉसफी है उसमें इस प्रकार की जातिवाद तो फिट नहीं होती है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। तो मध्य दर्शन के पूरे प्रतिपादन में कहीं भी जातिवाद का समर्थन नहीं है, नहीं है ना भैया। हाँ, फिर इसमें तो जो है ना, जैसे ये शर्मा की बात हो रही है, कोई ऐसा भी पूछ सकता है ना कि फिर ये नागराज भी तो हिंदू नाम है। हाँ, है ना, नागराज जो है वो क्रिश्चियन भी नहीं है, मुस्लिम भी नहीं है, तो ये नागराज शब्द भी नहीं चाहिए, तो फिर जो है कुछ संज्ञा तो देनी पड़ेगी, कोई नाम तो देना पड़ेगा। व्यवहारिक अर्थ में जो है अगर जुड़ना है, व्यवहार करना है, तो ठीक बात है ना भैया। ठीक बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। इसीलिए मैंने कहा कि मध्य दर्शन का संपूर्ण प्रतिपादन, मध्य दर्शन का संपूर्ण प्रतिपादन जो है किसी जाति धर्म संप्रदाय मतपंथ की कब नहीं, मानव जाति की बात है। मानव तो कोई भी हो सकता है, कोई भी नाम हो, कोई भी हो। हाँ हाँ जी, कुछ और बोल रहे थे आप। चलिए, आप कोई आगे क्या बोलूं, बोलिए ना, कुछ भी रह जाए छोड़ना नहीं, नहीं तो राय हुआ है ना। मेरे हिसाब से तो उनके नाम के आगे शर्मा जोड़ना उचित नहीं है। तो कहाँ जोड़ा, सब किताबों में से हटा, किताबों में, लेकिन किताब जितने में भी ब्लॉग वगैरह में, ये ब्लॉग में सब शर्मा ही लिखते हैं। कौन ब्लॉग? एक ब्लॉग है जिसमें से लोग कॉपी करके पेस्ट करते हैं, उसमें सब में नागराज शर्मा, उस ब्लॉग में, सब जगह नहीं है, कुछ जगह है ये। हाँ तो किसी ने लिखा होगा, अभी किसी को क्या करे, पर लिखता है तो क्या। चलिए ठीक है फिर, मतलब मैं मान लीजिए कि अपने को सुरेंद्र पाठक लिखता हूँ, तो इसका मतलब थोड़ी है कि सुरेंद्र पाठक जो है वो मानव नहीं हो सकता। सुरेंद्र पाठक भी हो सकता है, और जो योगेश उपाध्याय वो भी हो सकता है, और सुनील चांगवाल है वो भी हो सकते हैं, अजीत सिंह जो है वो भी मानव हो सकते। ये जो परंपरा की जो स्वीकृति है ना, परंपरा ने नाम दिया है। भाई हम जैसे हम पाठक क्यों है, क्योंकि जो हमारा परिवार है वो पाठक मानता था, उस रूप में उन्होंने हमको नाम दे दिया, वो नाम से हमारी आइडेंटिटी चली आ रही। अब हम अध्ययन पूर्वक जो है सुरेंद्र पाठक नाम लिखते हुए भी हम जो पाठक मानसिकता उससे मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन मान लीजिए मैं नाम लिखना बंद कर देता हूँ, पाठक लिखता, सुरेंद्र लिखता, तो भी मेरे पुराने जो रिश्तेदार हैं, जो पुराने मित्र हैं, जो मुझे सुरेंद्र पाठक के नाम जानते हैं, वो तो सुरेंद्र पाठक ही बोलेंगे ना। वो तो आप ढूंढ लेंगे ना। हाँ, वो कहेंगे सुरेंद्र, अरे किले ये वही है ना, सुरेंद्र पाठक थे, वही तो सुरेंद्र है, ऐसा बोलेंगे। ऐसे ही कुछ लोगों की स्वीकृति में नागराज शर्मा है, तो नागराज शर्मा लिखते रहते।
अभी उसमें अपन क्या कर सकते हैं, हम लोग तो नागराज जी बोलते हैं, हम तो नागराज जी भी बोलना बंद कर दिया, बाबा जी बोलते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, तो बाबा जी जो है एक व्यवहारवाचक शब्द है ऐसा, तो हमने उनके साथ एक संबंध को पहचाना, गुरु अपने गुरु शिष्य वाले एक संबंध को, और गुरु जो है वो क्योंकि बुजुर्ग हैं तो उस रूप में उनको बाबा जी बोलते हैं, बाबा जी जो है वो संबंध वाचक शब्द है, लेकिन यदि कोई पूछता है तो बताते हैं वो नागराज जी हैं, फिर कहते हैं ये नागराज जी कहाँ के हैं, तो बोलना पड़ता है कर्नाटक के थे, तो कर्नाटक में किस परिवार से थे, तो बता देते वो अग्रहार में एक जो है वेद मूर्ति परिवार है उस परिवार से थे, ऐसा बताना पड़ता है, आइडेंटिटी होती ना। ठीक है, पर इससे ऐसा बताने से कोई ये नहीं होता है कि वो वेदों का समर्थक हो गया, वेद मूर्ति कहने से भी कोई वेदों का समर्थक हो गए ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो तो उनके जो वांग्मय है विचार है उससे पता लगता ना, समर्थन असमर्थन नाम से थोड़ी होता है। ठीक है, ओके, है ना सर। नो फर्दर क्वेश्चन। जैसे अपन गांधी को बोलते हैं तो गांधी को अपन बनिया बोलेंगे या गांधी मानवतावादी थे, क्या बोलेंगे? गांधी बोलते हैं। गांधी तो महात्मा गांधी, तो गांधी तो बनियों का सरनेम है ना, एक सरनेम, तो गांधी की आइडेंटिटी जो है ना वो बनिए के रूप में नहीं, नहीं है। लेकिन वो तो गांधी जी ने गांधी लिखा अपने आप को, उन्होंने अपने आप को नहीं लिखा भाई, जाति है गांधी, सरनेम है ना गांधी, वैश्य कम्युनिटी में मोहनदास करमचंद गांधी, उनके पिता जो है वो करमचंद गांधी, वो इत्र बेचने वालों का परिवार होता है गांधी लगाता है ना भैया, हाँ जो भी लगाता है, मतलब वो उनकी वो एक जातिगत पहचान थी ना गांधी। चलिए, गांधी की उपाधि थोड़ी है। थैंक यू। हाँ जी हाँ, और भी अपन करते रहेंगे बात अभी तो। ओके, और बताइए। बस अच्छा चल रहा है, चीजें समझ में आ रही है जी, और सेंट्रल आइडिया तो समझ में आ ही रहा है, और साथ साथ ये सब में समय